शंकर भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमले भ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री मात पित्रे चरण कमले भ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरि आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हेयंगवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमनमनमथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। बालकृष्ण मम हृदय निथ कंठ लाडली लाल मस्तक मथुराधीश प्रभो ब्रज जन के सुख पार। यस्यांके च विवाते भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाले विधुर्गले च गरलं यस्यो रसी व्यालरान। सोयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री अमने महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज की जय। आइए चित्त की वृत्तियों को भगवान गौरी शंकर के चरणों में लगाएं, हमारे साथ रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभो व्यापकं
शंकर भगवान की जय। उपस्थित प्रभु पद प्रेमानुरागी जन परम आराध्य लाड़े लाल भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्रावण मास के पावन पर्व पर दादी परिवार त्रिपुर के संयोजन से शिवपुराण की कथा सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ के रूप में हम और आप श्रवण कर रहे हैं। कल द्वितीय दिवस में हम लोगों ने सती खंड की कथा सुनी। सती का प्रागट्य, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या, देवताओं का भगवान भोलेनाथ से विवाह करने का आग्रह, विष्णु ब्रह्मा के द्वारा विशेष स्तुति, दक्ष के द्वारा तप, सती का जन्म, सती जी का विवाह, भगवान राम की लीला में संदेह, सीता जी का रूप धारण करना, दक्ष के द्वारा भगवान भोलेनाथ का महायज्ञ में अपमान श्राप दिया जाना, तदुपरांत दक्ष के द्वारा शिव का पुनः अपमान करने के लिए यज्ञ किया गया, शिव के अलावा सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सती जी पिता प्रेम पाने के लिए उस यज्ञ में पधारी। जब शिव का अपमान देखा, वहीं सती ने अपने शरीर योग अग्नि में दाह कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को भेज करके यज्ञ को
नष्ट कराया, अपना क्रोध प्रकट किया। पत्नी का अपमान पति का अपमान है और पति का अपमान पत्नी का अपमान है। दोनों को एक दूसरे के सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने आकर के दक्ष को सद्बुद्धि, भगवान शंकर से क्षमा याचना करी, सिर काटा गया, बकरे का मुख लगाया गया, सती जी के देह को लेकर के भगवान भोलेनाथ चले हैं। जहां जहां उनके अंग विराजे वहां वहां शक्ति तीर्थ स्थापित हुए। तदुपरांत भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दक्ष के सामने विराजे हैं। दक्ष ने प्रार्थना करी है, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं महात्म बतलाया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में भेद नहीं करना चाहिए। चतुर्विदा भजन्ते माम जनाश्रितनस्तदा उत्तरोत्तरत श्रेष्ठां तेषां दक्ष प्रजापते। हे दक्ष, हमारे चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हरि भक्तो हिमाम निंदे तथा शैवो भविद्यति। हम तीनों देवता चारों प्रकार के भक्तों की प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान हैं, लेकिन यदि कोई भक्त हम तीनों में भेद करता है, यह करोति त्रिदेवेशु भेद बुद्धिम नराधम नरके सबसे नूनम यावत चंद्र तारकम। यह करोति, यह माने एनीबडी, कोई भी, यदि हम तीनों देवताओं में भेद करता है तो वो व्यक्ति नरक में पड़ेगा। कितने दिन की सजा होगी महाराज नरक की? बोले यावत चंद्र तारकम, जब तक सूरज चंद्रमा है, जब तक ये सितारे हैं, तब तक उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता समान हैं, सबको समान आदर देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब पावन शिव पुराण की रुद्र संहिता का तृतीय भाग, जिसे पार्वती खंड के नाम से जाना जाता है, पार्वती खंड की कथा प्रारंभ हो रही है। असतगिर समस्या कज्जलम सिंधु पार्ते सुरत भरन शाखा लेखनी पत्र मुर्भिर लिखद यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तप गुणानाम ईश पारम नयाति। कथा सुना रहे हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज और सुन रहे हैं श्री नारद जी महाराज। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि जब सती का देह त्याग हो गया, भगवान शंकर क्या करने लगे, पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ, कहां पर हुआ, पराम्बा पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह महोत्सव किस प्रकार संपन्न हुआ, किस प्रकार उनके दो दो पुत्रों ने जन्म लिया। हे पिताजी, हे पूज्य ब्रह्मा जी, कृपा करके मुझे भगवान शंकर पार्वती की कथा सुनाइए। नारद, आप धन्य हो, आपको किसी ना किसी बहाने भगवान का चरित्र सुनना है। राम चरित जे सुनहीं अघाई। जो लोग कहते हैं अरे बहुत कथा सुन ली, अब क्या करेंगे कथा सुन करके, समझ लो उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। जिनका मन बार बार कथा सुनने के लिए लगता हो, निगम तल्प करोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो रसिक लोग होते हैं, जो भावुक लोग होते हैं, वो बार बार कथा श्रवण करते रहते हैं। मन करता है कि इस कथामृत की बूंद टपकती रहे और हम उसको पान करते रहे। एक बार की बात है, हिमालय नाम का जो पर्वत है उसके दो रूप हैं, स्थावर और जंगम। एक रूप में तो वो पर्वत है और एक रूप में वो राजा है। एक बार हिमालय की इच्छा हुई कि मैं विवाह करूं और अपना गृहस्थ बसाऊं, तब हिमवान ने, हिमालय का एक नाम हिमवान भी है, हिमालय ने पितृश्वरों से कहा
कि मैं विवाह करना चाहता हूं आपकी कन्या मैना, उसके साथ आप मेरा विवाह करा दीजिए। पितृश्रों ने देखा कि हिमवान अनेक प्रकार की औषधियों से संयुक्त है, हिमालय में बहुत प्रकार की औषधियां निकलती हैं, हिमवान के पास जल का भी बहुत भंडार है, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, हिमवान रत्नाकर भी है, जिस प्रकार समुद्र में रत्न पाए जाते हैं उसी प्रकार हिमालय में भी, जहां से संजीवनी बूटी लाए थे श्री हनुमान जी महाराज, वहां और प्रकार की भी बूटियां हैं, और प्रकार के भी रत्न हैं, अर्थात ये जो हिमवान है ना ये धनवान भी है। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी धनवान घर में जाए। पितृश्वरों ने जब देखा कि हमारी कन्या स्वयं चला करके मांगी जा रही है, तो पितृश्वरों ने अपनी कन्या मैना का विवाह हिमवान के साथ करना स्वीकार कर लिया। नारद जी ने पूछा, महाराज ये मैना कौन है? बोले, एक बार की बात है, दक्ष पुत्री जो सुधा है, कल की कथाओं में सुनाया गया था, दक्ष के 16 कन्याओं में सती, स्वाहा, सुधा और तेरे धर्म को विवाही गई। इनमें जो सुधा नाम की कन्या है उनका विवाह पितृश्वरों के साथ में हुआ और इन पितृश्वरों के यहां 3 कन्याओं ने जन्म लिया। इन 3 कन्याओं का नाम है मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों की तीनों कन्या एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गईं। पहली बार बैकुंठ में गईं, पहले तो धाम की सुंदरता, फिर भगवान की सुंदरता, और फिर वहां पर जो लोग प्रार्थना करने के लिए, नित्य दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आ रहे थे, उस वातावरण को देख करके चकबकी सी रह गई। पहली बार देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री शेषशाही पर बैठे विराजमान, शेषशाही पर लेटे हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्रीरंगम के दर्शन करे, वैकुंठनाथ के दर्शन करे, मन भरी नहीं रहा है, लेकिन जो पीछे और दर्शन करने आने वाले हैं उनको लगता है कि आगे वाले हटे जबी तो हम पीछे वालों को दर्शन मिलेगा, इनका जाने का मन नहीं है, तो वो थोड़ा सा बैकुंठ में किनारे हट करके बैठ गई और बैठ करके नित्य निरंतर श्री नारायण का दर्शन करने लगी, विष्णु भगवान का दर्शन करने लगी। दर्शनार्थी आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कहा गया है कि नारद जी सनकादिक सरस्वती तुम्बरु ब्रह्मा जी शंकर जी और भी कई देवता हैं जो नित्य भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं, सप्तऋषि गण जाते हैं, जिनकी तपस्या इतनी है कि जो वैकुंठ में जा सके वो रोज वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। इसी श्रृंखला में चारों सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे, भगवान के दर्शन करे और देखा कि यहाँ पर कौन कौन है, चारों तरफ देखा, पीछे की तरफ देखा तो तीनों कन्याएं बैठी हुई हैं। सनकादिकों को क्रोध आ गया, कमाल है, भगवान के मंदिर में बैठना नहीं चाहिए और ये बैठी हैं, और फिर हम आए तो हमको प्रणाम करना चाहिए था, अभिवादन करना चाहिए था, ये तो एकदम जड़ की तरह बैठी हुई हैं। सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि तुम तीनों की तीनों पृथ्वी पर चली जाओ और तुमको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर के मोक्ष प्राप्त होती है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से मुक्त हो जाना, भगवान के धाम में पहुंच जाना। गलत काम जो करता है, पाप जो करता है, वो नरक में जाता है। जैसे किसी ने
चोरी करी, 6 महीने की सजा हुई, 6 महीने को जेल गया, 6 महीने बाद उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही नरकों में जब हमारी सजा पूरी हो जाती है तो हमें नरक से बाहर यही मृत्यु लोक पर वापस भेज दिया जाता है, इसी पृथ्वी पर। ठीक स्वर्ग में भी वैसा ही है, कोई हमने अच्छा कार्य किया, धन धान से संपन्न दान पुण्य करके परमार्थ करके हम स्वर्ग पहुंचे, वहां भी हमारा निश्चित है कि हमें कितना समय स्वर्ग में रहने का लाभ मिलेगा। 5 स्टार होटल का कमरा भले ही 50,000 रुपए रोज का है, लेकिन चेकआउट टाइम जब हो जाता है तो खाली करवा लिया जाता है, बोले भैया समय हो गया, आपको यहां से बाहर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार स्वर्ग से भी बाहर कर दिया जाता है, लौट करके यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला भगवान, मेरी भक्ति करने वाला, मुझे भजने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, तो भगवान की भक्ति करने वाला वैकुंठ जाता है, शिव की भक्ति करने वाले शिवलोक जाते हैं, जो कृष्ण कन्हैया को मानते हैं वो गोलोक जाते हैं, जो राम जी को मानते हैं वो साकेत जाते हैं। नाम भले ही अलग अलग हो, व्यवस्था एक ही है कि वहां से फिर लौट करके नहीं आना पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार अपनी माता को प्रसव का कष्ट देना, ये मूढ़ता है, हमें हर समय इससे छुटकारा पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। कोई तपस्या रही होगी जो तीनों देवियां वैकुंठ में भगवान का दर्शन कर रही हैं, वैकुंठ में बैठ करके इनको लाभ मिल रहा है दर्शन करने का, और वहां श्राप दे दिया जाता है कि तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, जाओ तीनों की तीनों पृथ्वी पर चली जाओ। सनकादिकों ने श्राप दिया, तीनों बिचारी हकी बकी सी रह गई। भगवान को दया आ गई, कह रही तो मेरा दर्शन कर रही थी, इनके साथ गलत हुआ है। श्रीमन नारायण ने कहा, सनकादिको आपने श्राप तो दे दिया है पर थोड़ा वरदान भी दो कि ये लोग पृथ्वी पर जाकर के किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करेंगे, इनके पृथ्वी पर जाने से भी बहुत बड़ा कार्य संपादन होगा। क्या होगा? बोले ये जो मैना है ना, इनके यहाँ तो पार्वती का जन्म होगा, और दूसरी जो धन्या है ये महाराज जनक की पत्नी होंगी, और इनके यहाँ महालक्ष्मी सीता के रूप में जन्म लेंगी, और जो तीसरी कन्या है कलावती, इनका विवाह द्वापर में वृषभान के साथ में होगा, ये वृषभान वैश्य की पत्नी होंगी, इनके यहाँ जगत जननी श्री राधा का जन्म होगा। इन तीनों देवियों से तीन अन्य देवियां जो जगत का कल्याण करने वाली हैं, मैना के यहाँ पार्वती, धन्या के यहाँ सीता, और कलावती के यहाँ श्री राधा रानी का जन्म होगा। बोलो राधा रानी। गीता में भगवान ने कहा है कि स्थावरों में हिमालय मेरा रूप है, हिमालय का विवाह मैना के साथ में हुआ। पहले एक परंपरा थी तपस्या करने की, विवाह होने के बाद तपस्या करने लगे, मैना तपस्या कर रही हैं, और जब वो तपस्या कर रही थी तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, वरदान मांगो, इन्होंने वरदान मांगा, बोले मेरे को 100 पुत्र चाहिए, और वो भी बड़े धनवान हो बलवान हो, उनके सामने कोई टिक ना सके। तब वरदान दिया गया, बोले तुम्हारे पुत्र ऐसे ही होंगे, तो पहला पुत्र मैनाक है और बाकी के पुत्र भी इसी प्रकार से चारों तरफ इनके विराजमान हैं, सभी देवता मैनाक की मां मैना और हिमवान के यहां चल करके आए और कहा कि आप लोग
दोनों के दोनों भगवती उमा का दर्शन पाने की इच्छा से तपस्या करें, तपस्या करके देवी को प्रसन्न करें और देवी को प्रसन्न के वरदान मांगे कि देवी हमारे यहाँ अवतार लेकर के आए। आपके यहाँ देवी का अवतार होगा, भगवान शंकर बरात लेकर के आएंगे, आपकी बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होगा, बहुत जोर का महामहोत्सव मनाया जाएगा और ऐसे ऐसे राक्षस होने वाले हैं जिनका संहार या तो भगवान भूत भावन के द्वारा होगा या उनके वीर से उत्पन्न जो पुत्र होंगे उन्हीं के द्वारा होगा। उनके पुत्र बुद्धि देने वाले होंगे, संरक्षण देने वाले होंगे, ऐसे उनके पुत्रों का जन्म होगा। इसलिए आप भगवती उमा से प्रार्थना करें कि वो आपके यहाँ जन्म लेकर के आए। देवताओं की बात जम गई मैना को और हिमवान को, दोनों के दोनों तपस्या करने लगे। पहले एक समय भोजन करके तप किया, फिर भोजन छोड़ दिया, केवल फल आहार करके भोजन तपस्या करी, फिर केवल जल पी करके तपस्या करी, फिर केवल वायु पी करके ही तपस्या करी। जब श्वास को भी रोक लिया तो देवी अंबिका सामने प्रकट हो गई, साक्षात दर्शन हुआ। मैना ने उनके लिए प्रणाम किया, क्या वरदान चाहिए? जब देवी ने कहा क्या वरदान चाहिए, मैना प्रसन्न हो गई और कहा, बोले आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। मैंने अभी तक पुत्र मांगे थे लेकिन अब मुझे कन्या चाहिए और कन्या भी हमारे कुल का नाम करने वाली हो। जो कन्या हमारे यहाँ जन्म ले उससे हम दोनों पति पत्नी का, उस कन्या के माता पिता का, यानी हमारा नाम चारों तरफ हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए। माँ, हमारा मानना है कि ऐसी तपस्या आपके अलावा और किसकी हो सकती है, इसलिए आप हमारे यहाँ जन्म लेकर के प्रकट हो, आप ही हमारी बेटी के रूप में यहाँ पधारे। निर्मल मन और सदाचार देख करके माता ने स्वीकार कर लिया और कहा, बोले मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। देवी अंतर ध्यान हो गई। हिमवान ने देवताओं का स्मरण करके, अपने पितृश्वरों का स्मरण करके, अपने भगवान का स्मरण करके गर्भाधान किया। माता मैना गर्भवती हो गई, पार्वती जी गर्भ में आ गई हैं, चार तरफ का वातावरण मंगलमय हो गया है। गर्भावस्था के कारण देवी का मैना के चेहरे पर एक आभा प्रकट हो गई, एक तेज प्रकट हो गया है। पर्वत पर चारों तरफ हरियाली है, नदियां कलकल करके बह रही हैं, मंद सुमंद वायु बह रही है, वातावरण बहुत ही पवित्र है। गर्भ का समय आया, अष्टमी तिथि के दिन पराम्बा पार्वती का जन्म हुआ। बोलो अम्बे मात की जय। वहां भी ब्रह्मा जी को और नारद जी को बुलाया गया है। पार्वती जो अपनी शरण में आने वाले को भवसागर से पार करने की सामर्थ्य रखती हैं, उनका नाम ब्रह्मा जी ने नामकरण किया, पार्वती रखा गया। नाम के अर्थ होते हैं और नाम का प्रभाव भी होता है। माँ का नाम क्या है? मैं ना। मैं माने अहंकार, जहां अहंकार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं ना। शंकर जी की सासू का नाम मैना और राम जी की सासू का नाम सुनैना। सुंदर नयन वाली, नयन सुंदर ज्यादा काम के नहीं है लेकिन जो सब चीज को सुंदर देखता हो, जो कवि किसी में कोई कमी नहीं देखता हो, उसका नाम सुनैना है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये सुनैना जी का सिद्धांत है। पार्वती जी की माँ का नाम मैना और पिता का नाम है हिमाचल। हिम माने शीतलता, अचल माने स्थाई, जहां हमेशा शीतलता रहती हो, कभी गर्मी पड़ती ही ना हो, कभी गर्मी आती ही ना हो, कभी क्रोध नहीं आता हो,
जो हमेशा शीतल रहता है उसे हिमाचल कहते हैं। युधिष्ठिर जी को हिमाचल की उपमा दी जाती थी। पराम्मा पार्वती चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी, बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया जा रहा है। एक दिन लगभग 4-5 वर्ष की हो गई तब श्री नारद जी महाराज हिमवान के यहां पधारे। राजा ने प्रणाम किया और कहा, बोले महाराज हमारी ये कन्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बतलाइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी कन्या का भविष्य कैसा होगा। नारद जी ने देखा कि ये तो मनी मन में कहा कि ये तो देवी हैं, इनका क्या मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा बताना चाहिए जिससे कि माता पिता को प्रसन्नता हो। राजन, ये तुम्हारी जो बेटी है ना, ये एक इतिहास रचेगी, देवता इसका सुमरण किया करेंगे, माताएं इसकी पूजा किया करेंगी, बड़े राजाओं की रानियां, देवताओं की देवियां सब इनकी पूजा कर करके भवसागर से पार हुआ करेंगी। कह मुनि से हिमवंत सुन जो विद लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुने को न मेटन हार। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन एक बात कुछ अटपटी सी है कि इसका विवाह जिसके साथ होगा ना, वो नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण निष्काम, ना उसके माँ है ना बाप, उनको अपने सम्मान की भी कोई चिंता नहीं है, वो हमेशा अकेले ही विचरण करते रहते हैं। जटाजूट धारी, भस्म लगाने वाले, मुंडों की माला धारण करने वाले, इनके हाथ में ऐसे ही पति की रेखा पड़ी हुई है। नारद जी सब वर्णन करके चले गए। माता पिता को चिंता हो गई, बोले ये नारद जी क्या कह गए, कौन मिलने वाला है हमारी बेटी को ऐसा, ऐसे के साथ हम तो विवाह करने वाली नहीं है। इधर पार्वती जी का लालन पालन चल रहा है, उधर भगवान शंकर तपस्या में मगन थे। एक बार भगवान भोलेनाथ को बहुत जोर का पसीना आया, माथे से पसीने की बूंद लेकर के भोलेनाथ ने पृथ्वी पर छिटकी और उस पसीने की बूंद से एक बालक ने जन्म ले लिया। पृथ्वी के ऊपर जब वो बूंद गिरी और बूंद से बालक बना तो पृथ्वी को लगा कि मुझे इस बालक को तुरंत गोदी में लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बालक रोए और भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ जाए। तुरंत पृथ्वी माँ का रूप धारण करके बालक को गोदी में लेकर के भगवान शंकर के सामने उपस्थित हो गई। महाराज, ये बालक आपसे प्रकट हुआ है और मैं इसका पालन कर रही हूँ, मैं माँ हूँ, आप इसके पिता हैं। भगवान शंकर बालक को देख करके प्रसन्न हुए और उसका नाम मंगल रखा गया। बालक ने भगवान को प्रणाम किया, आप मेरे नाथ हैं, आपको मंगल नाथ के नाम से जाना जाएगा। ये लीला जहां हुई अवंतकापुरी उज्जैन में, वहां आज भी मंगलनाथ भगवान के दर्शन विराजमान हैं, मंगलनाथ भगवान विराजमान हैं। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि जो लोग मंगलनाथ के दर्शन करेंगे, इसका दूसरा नाम रख दिया भूमि, इसे बेटा मान रही है तो भूमि का पुत्र है, इसे भौम भी कहा जाएगा। मंगल का दूसरा नाम भौम है, भौम बासुरे कहते हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर के ये भौम काशी चला गया और काशी जाकर के तपस्या करने लगा। एक दिन पार्वती जी के माता पिता चिंता में बैठे हुए थे, किसके साथ विवाह करेंगे, ऐसा कौन आएगा, जब ऐसे वेश में आएगा तो हम तो अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में देंगे नहीं।
चिंता करते करते रात बीत गई, सवेरा हो गया। सवेरे पार्वती जाग करके आई और पार्वती जी ने अपने माता पिता से कहा, सुनो मात में दीख अस सपन सुनावो तो सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय। जैसा नारद जी बतला के गए थे ऐसे ही वेश के एक गौरवर्णधारी एक देवता आज रात्रि में मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा, कर ही जाय तपशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य बिचारी। पार्वती जी, जो नारद जी ने कहा है वो निश्चय ही होगा, इसलिए आपको तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने से सब कुछ सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। उदाहरण बहुत अच्छे दिए उन देवता ने, तपवल रचई प्रपंच विधाता तपवल विष्णु सकल जग त्राता। ब्रह्मा जो सृष्टि रच रहे हैं ना, तपस्या करने से रच रहे हैं। 36,000 वर्ष तपस्या करने के बाद तो ब्रह्मा जी को ओम का दर्शन हुआ और ओम का दर्शन होने के बाद फिर भगवान का दर्शन हुआ, फिर सृष्टि रचने की आज्ञा हुई, फिर तपस्या करी। सबको तपस्या करनी पड़ती है। भगवान विष्णु भी एकार्णम में शेष सैया पर लेटे हुए तपस्या में लगे रहते हैं, तभी वो तपस्या के कारण संसार का पालन कर पाते हैं। तपबल शंभु करें संहारा तपबल शेष धरें मह भारा। भगवान शंकर भी तपस्या के बल से ही संहार लीला कर पाते हैं और जिन शेष ने अपने ऊपर पृथ्वी को धारण किया हुआ है उनके अंदर पृथ्वी को धारण करने की शक्ति भी तपस्या के कारण आई है। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तप अस जिए जानी। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ आगे होगा वो सब तपस्या के बल पर ही होगा, तपस्या के कारण ही होगा। सुनत वचन विस्मित मह तारी सपन सुनायो गिरि हकारी। सपने को सुनकर के सब लोग विस्मय हो गए। पार्वती जी ने पिताजी को प्रणाम किया, बोले पिताजी नारद जी तो कहकर के गई हैं और नारद जी को मैंने गुरु बना लिया है, आप आज्ञा दें तो मैं तपस्या करने के लिए जाऊं। जब भी हम भजन पाठ पूजा करने बैठे ना तो व्यवस्था करके बैठे कि हाँ भैया सब अपने अपने काम संभाल लेना, अब हम भजन करने बैठ रहे हैं कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ना हो कि एक हाथ में माला झोली हो और एक हाथ से हम दुनिया भर के काम करा रहे हैं। दिन भर भजन करना, दिन भर माला झोली रखना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ समय के लिए हमें एकाग्रता से भजन करना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए कि भाई एक घंटा, आधा घंटा, 24 मिनट, 15 मिनट हम भगवान का भजन करेंगे, उस समय हमको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। माता पिता की आज्ञा लेकर के पराम्बा पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए हिमालय के ही एक भाग में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। पहले फल खा करके तपस्या, फिर वह भी बंद कर दिए। कमाल का तप लिखा हुआ है कि पेड़ के पत्ते जो गिर पड़ते, चाहे सूखे हों या गीले, जो हवा से चल करके पार्वती तक पहुंच जाएं, उठ करके पत्ता बीनने नहीं जाना है कि बढ़िया बढ़िया पत्ता लाएं कि हरे हरे लाएं, नहीं, जो निकट में आ गए उनको ही खा करके काम चलाया। ऐसे जब तपस्या करी है तो पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया है। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। उधर एक दिन शंकर भगवान टहलते टहलते जहां पर गंगा प्रकट हुई है, गंगोत्री नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, गंगा अवतरण तीर्थ है, वहां पर पहुंचे। राजा हिमवान भी टहलते हुए वहां पर पहुंच गए, भगवान शंकर का दर्शन किया, स्वागत किया, पूजन किया, स्तवन किया और कहा, बोले महाराज
मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। शंकर भगवान ने कहा कि हम तो विचरण करते ही रहते हैं, हमें ये गंगोत्री स्थान बहुत बढ़िया लगा है, यदि आप अनुमति दें तो हम यहाँ पर बैठ करके भजन करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ तपस्या के लिए अपने आप मन लगने लगता है, भजन करने का अपने आप मन लगने लगता है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, बोले महाराज ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप यहाँ पर विराजमान होकर के तपस्या करेंगे, मुझे एक अनुमति चाहिए। कैसी अनुमति? जब तक आप यहां विराजें तब तक मेरी बेटी पार्वती आपकी सेवा करने यहां आया करे, जो भी शुश्रूषा है, स्थान को स्वच्छ करना अथवा आपके लिए भोजन सामग्री लाना अथवा आपके लिए और जो भी आप बताएंगे सब सेवा मेरी बेटी करेगी। शंकर जी ने मना कर दिया, भवत्य चल तत्संगात विश्वोत्पत्ति राश वही विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रश्यति सत्तप। जहां पर तपस्या करी जाए वहां स्त्रियों को नहीं आना चाहिए, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य ना होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए, जो किसी के ऊपर आश्रित होता है ना उसकी दुर्गति होती है। हमारी सेवा करने वाला यदि नहीं रहता है तो हम उसके प्रतीक्षा में ही रहते हैं, अरे कब आएगा, कब हमको एक गिलास पानी देगा, कब आएगा, कब हमको भोजन देगा। नहीं, हर व्यक्ति को अपना काम अपने आप करना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवक की आवश्यकता नहीं है। राजा के मन में है भगवान शंकर को मनाने की, कहा बोले महाराज आप अपने घर में कैसे भी रहें, अपना काम अपने आप करें, चाहे चार लोगों से कराएं चाहे बिल्कुल भी ना करें, जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन जब आप मेरे राज्य में पधारे हैं तो मेरा तो आपको अतिथि धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी आपकी सेवा करे। अतः तपस्विना शैल नाकार्या स्त्री सुसंगति महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशनी। शंकर जी ने कहा नहीं, स्त्री के संग से ज्ञान नष्ट हो जाता है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और भक्ति का तो आना संभव ही नहीं लगता। मैं इस विषय से सहमत नहीं हूं। सुनिए महाराज, ये केवल मेरी इच्छा नहीं, मेरी पत्नी की भी इच्छा है कि हमारी बेटी आपकी सेवा करे, और हम दोनों की इच्छा ऐसा नहीं कि अपनी अपनी बेटी को जबरदस्ती आपके पास भेज रहे हैं कि जाओ जाके सेवा करो। सेवा तो मन से ही की जाती है, हमारी बेटी का स्वयं मन है, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा हम थोड़ा सा परीक्षा लेकर के देखेंगे तब अनुमति देंगे। दक्ष हिमवान और हिमवान की पत्नी प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ को चले आए और पार्वती जी से कहा बेटा आप ही इनको प्रसन्न करो, आप अगर इनको प्रसन्न कर लोगी तब जाकर के ये अनुमति देंगे। पार्वती जी का और भगवान शंकर का दार्शनिक संवाद हुआ, बहुत ही अच्छा संवाद है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई किसी की सेवा करता है तो मन में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। पार्वती जी ने कहा मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मेरा स्वार्थ, मुझे आपसे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहिए, मुझे आपसे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे धर्म चाहिए। मैं धर्म के साथ आपका संग चाहती हूं, मैं आपका साथ चाहती हूं। शंकर जी ने कहा मैं विकार की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। पार्वती जी ने कहा मेरे और आपके बीच में कभी कोई विकार नहीं आएगा। भोलेनाथ ने कहा मैं वासना की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा।
पार्वती जी ने कहा कि हमारे और आपके बीच में कभी वासना आएगी ही नहीं, यदि आप कहेंगे तो हम एक वसन पर भी साथ में नहीं बैठेंगे, वासना तो बहुत दूर की बात है। क्यों मुझे पाना चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा मैं हूं प्रकृति और आप हैं पुरुष, बिना स्त्री के संयोग के पुरुष का कोई काम कभी भी बनने वाला नहीं है, मां ही नहीं होगी तो बेटा कहां से जन्म लेगा, प्रकृति ही नहीं होगी तो पुरुष रहेगा कहां पर। स्त्री और पुरुष का संग तो प्राकृतिक ही है और हमेशा रहेगा। यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अकेला ही रह लूं, अकेला ही सारे काम कर लूं, कभी भी संभव नहीं है। स्त्री की पूर्णता पुरुष से है, पुरुष की पूर्णता स्त्री से है। हे प्रभु, मैं कभी आपसे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करूंगी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले लाखों में कोई ऐसा मिलता है जिसमें वासना नहीं समर्पण होती है। श्री पार्वती जी का समर्पण देख करके भगवान शंकर ने उनको सेवा करने की हां कर दी। पार्वती जी सेवा में लगी हुई हैं, उसी समय संसार में एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। तारकासुर इतना भयंकर राक्षस है जिसने घनघोर तपस्या करी है, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, कहा बोले ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता भी मेरा वध नहीं कर पाए, मुझे इतना बलवान बना दो। पता नहीं ब्रह्मा जी को क्या हो जाता है कि झट से हां कर बैठते हैं, बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। तारकासुर ने देखा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मुझे मार सकते तो मुझे दुनिया में कौन मारेगा। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेई सब लोक लोक पत जीते, भये देव सुख संपते रीते। सारे लोगों को उसने जीत लिया, जहां जाते थे कुछ लोग तो लड़ते थे, कुछ लोग बिना लड़े ही उसके लिए भवन छोड़ करके भाग जाते थे। तीनों लोग चौदह भुवन में तारकासुर का राज हो गया है। अजर अमर सो जीत न जाई, होई सुर करे विविध लड़ाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। कभी देवताओं ने इकट्ठे होकर के भी युद्ध करने की योजना बनाई, सफल नहीं हुए, हार गए। तब विरंजसन जाए पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। सारे देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज कैसा राक्षस है, हारने में नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा है। अच्छा, राक्षस लोग जानते हैं कि ये मनुष्य लोग जो यज्ञ करते हैं ना, पूजा करते हैं ना, इस पूजा से यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है, और जब देवताओं का बल बढ़ता है तो विष्णु का बल बढ़ता है। पहले ये लोग सनातन धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं, जहां भी यज्ञ हो रहा हो विध्वंस कर दो, कथा हो रही हो भगा दो सबको वहां से। यज्ञ में मांस के टुकड़े डाल देते थे, पाठ पूजा दान पुण्य यज्ञ तप जप नियम ध्यान धारणा कथा कीर्तन सब कुछ बंद कर दिया गया। तारकासुर का ऐसा राज्य है, भूल से भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, भूल से भी कोई सदकर्म नहीं कर सकता है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा। भगवान शंकर विवाह करेंगे और उनसे जो पुत्र जन्म लेगा वो ही तारकासुर को मारने वाला होगा। आप सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कुछ ऐसा यतन करो कि भगवान भोलेनाथ तपस्या छोड़ करके पार्वती जी के साथ विवाह करें विहार करें और उनके वीर से पुत्र उत्पन्न हो। वही पुत्र इस तारकासुर को मारने में सामर्थ्यवान होगा। पार्वती जी गंगोत्री में नित्य अपनी दो सखियों को लेकर के, यहां कथा में बतलाया गया कि पार्वती जी का घर का नाम काली है। काली माता जो हम लोग पूजा करते हैं, कलकत्ते वाली हो या कहीं भी विराज रही हो, पार्वती जी का निक नेम है, घर का नाम है। पराम्बा जगदम्बा काली सखियों के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करने, और कमाल की सेवा लिख रही है कि शिव ने तो समाधि लगा ली, कपड़े को गर्म पानी में भिगो करके सारे शरीर को पहुंचना, दिव्य भस्म लगाना, चंदन लगाना, त्रिपुंड बनाना, बढ़िया बढ़िया फूल इकट्ठे करके उनकी माला पिरो करके अपने हाथ से माला पहनाना, चारों तरफ गूगल आदि की भस्म उत्पन्न करना, सुगंधी उत्पन्न करना, चारों तरफ छिड़काव कर देना, वातानुकूलित सेवा कर रही हैं। जैसी ऋतु है उसके अनुसार सेवा कर रही हैं जगदम्बा पराम्बा पार्वती। सभी देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी कैसे काम बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम्हारा मित्र है कामदेव, वो जाकर के यदि प्रयास करे शिव समाधि तोड़े, काम को धारण करें, विवाह के लिए तैयार हो, तब जाकर के पुत्र उत्पत्ति हो और फिर हमारा काम बनेगा, तारकासुर तभी मरेगा। इंद्र अपने स्वर्ग के लिए लौट गए और वहां उन्होंने निवेदन करके अपने प्रिय मित्र कामदेव को बुलाया। मन से जो हमेशा फूलों से सजा रहता है, जिसके मछली जैसे नेत्र हैं, सामने वाला देखते ही उसके वश में हो जाता है, ऐसा कामदेव आया और बोला कैसे याद किया तुमने इंद्र, भैया तुम हमारे मित्र हो? बोले हाँ बिल्कुल हैं। दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणेशूरस्य जायते आपातकाले तु मित्रस्य शक्तौ स्त्रीणाम कुलस्य ही। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों की परीक्षा होती है, जैसे दुर्भिक्ष में दानदाता की परीक्षा होती है। हर समय तो कोई भी दान कर देता है, जब दुर्भिक्ष पड़ रहा हो, चारों तरफ से महामारी ने घेर लिया, कहीं से कोई आमदनी नहीं, कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, और उस समय में कोई दान करता है। हमारे गिरिराज जी में, वृंदावन में, मथुरा में कोरोना के कारण जब सारा सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, तो यहाँ के धर्मात्मा लोगों ने भोजन के पैकेट बना बना करके और पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर के गाड़ियों पे परमिशन लगाई, तब लॉकडाउन में निकले
और जो बेचारे साधु संत हैं, बाबा जी हैं या गरीब हैं, और लेबर भी थी उसमें जो बेचारे कोई काम नहीं कर रही थी, उनको जाकर के भोजन प्रसाद के पैकेट बांटे उनके लिए, और भी जो जो आवश्यकता थी। जब प्रवासी मजदूर यहाँ से गए तो उनकी भी यहाँ के लोगों ने, अलग अलग संगठनों ने, संस्थाओं ने सेवा करी। तो यहाँ लिखा है शिव पुराण में कि जो समय पर दान दे वो दानदाता बड़ा काम का होता है, उसके लिए हृदय से आशीर्वाद निकलता है, मन से आशीर्वाद निकलता है। दुर्भिक्ष में दानदाता की परीक्षा है, और संग्राम में शूरवीर की परीक्षा है, मालूम पड़े कितना ताकतवर है। रणभूमि में शूरवीर की परीक्षा है, और मित्र की परीक्षा बोले आपातकाल में, सुख में पकोड़ा खाने के लिए, पार्टी में चलने के लिए तो बहुत मित्र तैयार हो जाते हैं, जब कष्ट पड़े और तब कोई साथ कहे कि हाँ जी हम तुम्हारे साथ हैं। मित्र भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में जो मिल करके रहे उसे मित्र कहते हैं। मित्र का एक पर्यायवाची शब्द है सखा, जो हमको अच्छी शिक्षा दे, सीख दे, उसे सखा कहते हैं। सखा का उल्टा क्या होगा, बोले खास, जो हमारा खास हो जाता है, भाई से भी बढ़कर के हो जाए, वो है सखा। मित्र स्त्री की परीक्षा है पति के असमर्थ होने पर। पति काम काज करता है, कमा करके लाता है, तब तो पत्नी प्रसन्न रहेगी ही। किन्हीं कारणों से काम काज छूट गया, या अस्वस्थ हो गए, या सामर्थ्यवान नहीं रहे, शरीर अब वो काम नहीं कर सकता है जो पहले करता था, स्त्री का प्रेम तब भी उतना ही बना रहे, तब स्त्री की परीक्षा है। संकट में विनय की परीक्षा है, और सत्य और सच्चे स्नेह की परीक्षा, बोले परोक्ष में, पीछे से, जो पीछे से भी बढ़ाई करता हो, पीछे से भी प्रेम करता हो, समझ लो वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा स्नेह है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र एवं नारी पत्नी, आपातकाल में इनकी परीक्षा होती है। आज मेरे ऊपर आपातकाल है। कामदेव ने पूछा, इंद्र तुम्हारे ऊपर कौन सा आपातकाल आ गया? बोले तारकासुर ने हम सभी देवताओं को परेशान कर रखा है, हमारे सारे लोकों को छीन लिया था, हम सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, कहा बोले महाराज रहने के लिए तो स्थान दिला दीजिए। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को बुला करके कहा कि तुम पृथ्वी पर रहो, सारी पृथ्वी तुम्हारी है, देवताओं को यहाँ रहने दो, देवता अपना भाग लेने पृथ्वी पर नहीं आएंगे। जब यज्ञ तप दान पुण्य कथा कीर्तन पूजन नहीं होगा तो देवता पृथ्वी पर आकर के करेंगे क्या? आज से पृथ्वी तुम्हारी है तारकासुर, तुम वहीं अपनी राजधानी बना करके रहो। तभी वो शोणितपुर जिसे आसाम में मानते हैं आज के समय, वहां रह रहा है, लेकिन उसकी निगाह हमेशा स्वर्ग पर, कुबेर की अलकापुरी पर, हम सबके लोगों पर रहती है। हे कामदेव, आप वहां जाइए जहां शंकर भगवान समाधि में भजन कर रहे हैं, अपना प्रभाव उनके ऊपर जमाओ, जिससे कि उनका मन तपस्या से हट जाए और वो काम के अधीन हो जाएं और वो विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। वो जब विवाह करेंगे, उनके वीर से जो पुत्र जन्म लेगा वही इस तारकासुर को मारने में सामर्थ्यवान होगा। हे मित्र, मैं जानता हूं कि शिव की मैं बराबरी नहीं कर सकता हूं, और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन असली मित्र वही है जो मित्र के काम आए। मैं चलता हूं। कामदेव ने अपने बाण तरकस में लगा लिए, अप्सराओं को इशारा दिया, जो भी उसके पास उसका तामझाम है सब ले लिया। चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा।
निश्चय मुझे मेरा मरण दिख रहा है, पर मैं आज अपना कर्तव्य निभा के दिखाऊंगा। कामदेव पहुंच गया भगवान शंकर जहां विराजमान है, थोड़ा ही दूर सामने आम का पेड़ है, साथ में बसंत को ले गया है, मलय गया है और भी उनका परिकर गया हुआ है। पहले अप्सराएं नृत्य करने लगी, भोलेनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव ने एक बाण चलाया, बाण लौट करके आ गया, एक एक करके पांचों बाण चलाए, असफल हो गए। आज कामदेव ने पांचों बाण एक साथ भगवान शंकर की ओर चला दिए। जो पांचों बाण एक साथ लगे होना तो अब भी कुछ भी नहीं था, पर लीला आगे बढ़ा दी है ना। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयो जरे छारा। जो तीसरा नेत्र खोला, भयंकर अग्नि निकली और उस अग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, कामदेव की पत्नी रति रोती रोती शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। त्राहिमाम पाहिमाम, मुझे मेरा पति चाहिए, मेरा पति कैसे प्राप्त होगा। बोले आज से इसका नाम अनंग है, इसके अंग नहीं होंगे, ये हर व्यक्ति के मन में रहेगा, आंखों में रहेगा, हर व्यक्ति के, व्यक्ति नहीं जितने भी चराचर जीव हैं सब में काम रहेगा। नहीं जी, सबसे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मेरा पति मेरे साथ चाहिए। जब जद वंश कृष्ण अवतारा, हुई ये भरण महाभव भारा, कृष्ण तने होई ये पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। द्वापर के अंत में कृष्णावतार होगा और श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति देव होंगे, तुम्हें पति की प्राप्ति द्वापर में जाकर के होगी। सांत्वना देकर के वापस कर दिया भगवान शंकर, आंख से लपटें निकल रही थीं, अग्नि निकल रही थी, ऐसा क्रोध लग रहा था सारी दुनिया को जला करके रख देंगे। तब ब्रह्मा जी महाराज पधारे और अपनी तपस्या से शिव की प्रार्थना करके उस क्रोध को एक जगह इकट्ठा कर लिया और घोड़े का रूप प्रदान कर लिया। उस घोड़े को लेकर के ब्रह्मा जी समुद्र किनारे गए और समुद्र से कहा, समुद्र ये बड़वानल अग्नि के रूप में तुम्हारे अंदर निवास करेंगे, क्योंकि इतनी तेज अग्नि को छोटा मोटा जलाशय धारण नहीं कर सकता है। जब आग बड़ी हो तो बड़ी बड़ी दमकलें फेल हो। पार्वती जी सेवा तो रोज करी रही हैं, तपस्या चल रही है, जब भी समय मिलता है आसन लगा करके बैठ जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन भगवान नारायण स्वयं शंकर जी के पास चल करके पहुंचे और कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाहों से ले जाए, ये मुझे मांगे देव। मेरा निवेदन है भोलेनाथ के, आप अब विवाह कर लें, अब विवाह का समय आ गया है। भगवान को प्रणाम करके आज्ञा स्वीकार कर ली, पर मुख से हाँ नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे काम नहीं बनेगा, सारे देवताओं से कहा मेरे साथ इकट्ठे होकर के चलो,
हम सभी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। सभी देवता गए कैलाश, भूत बावन भोलेनाथ को प्रणाम किया, प्रार्थना करी, पूछा आप लोग कैसे आए हो। बोले महाराज हम अपनी आंखों से आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्यों नहीं? कामो ही नरकायैव तस्मात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहो मोहाश्च भ्रंशते तप। काम क्रोधो परित्याज्यौ भवद्भिः सुरसत्तमैः, सर्वैरेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। हे देवताओ, मैं विवाह के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। पहले संग होता है, फिर काम जगता है, और जो काम में फंसा वो तो नरक में जाना ही जाना है। और मान लो सीधा नरक में नहीं गया, तो जब कामनाओं की पूर्ति में थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ जाता है तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, और क्रोध जब आता है तो सम्मोहन हो जाता है। भूल जाते हैं हम किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, अपनों का ही अपमान कर बैठते हैं। और जब सम्मोहन हो जाता है तो तप नष्ट हो जाता है, तप क्षीण हो जाता है। काम क्रोध दोनों के दोनों ही विनाश करने वाले हैं। काम क्रोध परित्याज्यो भवद्भिः सुरसत्तमैः, सर्वैरेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। मेरे वाक्यों में जरा सा भी अंतर नहीं है, मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं। देवताओं ने कहा महाराज आपने स्वयं कहा था जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी कि आप शिवा के साथ विवाह करेंगे। हाँ कर तो लिया ना एक बार आप लोगों की बात मान करके। बोले हाँ कर लिया प्रभु, लेकिन तारकासुर आ चुका है। तारकासुर का अंत केवल आपके पुत्र के द्वारा ही संभव है। कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस्तत्र चादिका, उद्धरे सकलैर्बन्धै नास्ति संगात् प्रमुच्यते, लोहा दारुमयी पाशै जनम बद्धो विमुच्यते, स्त्री आदि पाशम संबद्धो मुच्यते न कदाचन। शंकर भगवान ने बहुत उपदेश दिया है देवताओं को, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। लोह का पाश और भी जितने प्रकार के पाश हैं उनसे व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन स्त्री के पाश से मुक्ति पाना संभव नहीं है। वर्धन्ते विषया शश्वन महाबंधन कारिण, विषयाक्रांत मनस स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभ। कमाल है, भोलेनाथ कह रहे हैं कि स्त्री के संग से पापों का वर्धन होता है। कमाल है, पार्वती तो ऐसी नहीं है, सती तो ऐसी नहीं थी, फिर भी इतना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। बोले मनुष्य मात्र को सावधान करने के लिए। एक बार पूछा गया कि सूर्य ग्रहण बड़ा है कि चंद्र ग्रहण बड़ा है। बोले इन दोनों से बड़ा है पाणिक ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो 2-3 घंटे का होता है, लेकिन पाणिक ग्रहण एक बार ऐसा ग्रहण पड़ता है कि जो जीवन भर झेलना पड़ता है, निभाना पड़ता है। ऐसे ही वचन शंकर जी बोल रहे हैं देवताओं से। देवताओं ने कहा महाराज आपका विवाह होना परम आवश्यक है, आपके पुत्र के द्वारा ही। तारकासुर का वध होगा, ठीक है मैं विचार करता हूं, मैं विवाह करूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप लोग अभी यहां से जा सकते हैं। शंकर जी ने मन में विचार किया कि पहले विष्णु जी आए, फिर ब्रह्मा जी आए, सारे देवता एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब विवाह तो अब करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले विवाह बिना देखे कर लिया था, बिना जान पहचान किए कर लिया था, अब की बार थोड़ी परीक्षा ली जाए, सप्त ऋषियों को भेज करके बायोडाटा मंगवाया जाए, जन्मपत्री मंगवाई जाए, और थोड़ा पहले वार्तालाप भी करेंगे। विवाह से पहले वर वधु को आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, तब जाकर के जीवन भर साथ निभाने का एक दूसरे को वचन देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलवाया, तब ही सप्त ऋषि शिव पह आए।
बोले प्रभु अति बचन सुहाए, पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले ओ, गिरही प्रेर पठवों भवन दूर करो संदेह। सप्त ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, क्या किया है? मैना हिमवान की बेटी पार्वती तपस्या कर रही है हमें पाने के लिए, आप लोग जाइए और उसकी परीक्षा लीजिए, देखिए उसकी सद्बुद्धि निष्काम है या सकाम है, उसका प्रेम हमारे प्रति क्षणिक है या अखंड काल रहने वाला है, पार्वती का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है या परमार्थ से भरा हुआ है, पार्वती के प्रेम में वासना है या पार्वती के प्रेम में समर्पण है, ये सब बातें आप जाकर के देखिए और फिर हमें बताइए। यदि उसका प्रेम निष्काम लगे तो कह देना कि अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, अब वो अपने माता पिता के साथ महलों में आनंद के साथ रहे। सप्त ऋषि चल करके वहां पहुंचे जहां पर पराम्बा पार्वती तपस्या कर रही हैं। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूरत मंद तपस्या जैसी, जैसे तपस्या ही मूर्ति बना करके बिठा दी गई हो, जैसे पत्थर को तराश करके मूर्ति बना देते हैं, बहुत से लोग आटे की लोई को बना देते हैं, बहुत से चीनी को गर्म करके उसके खिलौने ढाल देते हैं, बहुत से लोग बर्फ को कई कई की आकृति में जमा देते हैं, जैसे कटोरे में रखेंगे वैसा ही आकार बर्फ का बन जाएगा। पार्वती जी को देख करके लगता है जैसे तपस्या को ढाल करके पार्वती को बनाया गया हो। सप्त ऋषियों ने कहा हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, थोड़ी देर आप अपना नाम जप बंद करिए, थोड़ी देर अपनी तपस्या को रोक दीजिए। सप्त ऋषियों ने मनी मन में जगदम्बा को प्रणाम किया, प्रैक्टिकल प्रणाम नहीं किया क्योंकि अपना प्रभाव जमाना है ना, प्रणाम कर देंगे तो ये हमारी बात कहां मानेंगी। पार्वती जी ने सबको प्रणाम किया और पूछा आप लोग कौन हैं और किस कारण से यहां आए हैं। सभी ने अपना परिचय दिया कि हम सप्तऋषि हैं, हम वशिष्ठ हैं, भरद्वाज हैं, हम गौतम हैं, हम कश्यप हैं, सबने नाम बताए। किस लिए आए हैं? हे देवी, तपस्या किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर के करनी चाहिए और जब कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा हो तो हम लोग उसकी सहायता करते हैं, उसे अच्छा मार्ग बतलाते हैं, तपस्या को और सरल बना देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप किस कारण से तप कर रही हैं। मैं भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती हूं, जब तक वो स्वयं आकर के मुझे हां नहीं कहेंगे कि हां मैं तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तब तक मैं तपस्या छोड़ने वाली नहीं हूं। अरे राम राम राम, किसकी बातों में तुम आ गई हो, किसको पाना चाहती हो? जो जोगी हैं, अमंगल वेशधारी हैं, जिनका तो कोई कुल का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, जो हमेशा भस्म लगाते रहते हैं, श्मशान पर रमण करने लग जाते हैं, बजाय रेशमी वस्त्र पहनने के हाथी की खाल ओढ़ लेते हैं, बजाय धोती पहनने के शेर की खाल लपेट लेते हैं, बजाय कानों में कुंडल धारण करने के छोटे छोटे सांपों को लटका लेते हैं, बजाय सिर धोकर के बाल काटने के वो तो जटाओं को आपस में बट करके और कठोर बना लेते हैं, जो देखने में ही अच्छे नहीं लगते, उनके बारे में तुमको किसने कह दिया कि उनको पाना चाहिए? हमारे गुरुदेव श्री नारद जी ने सुनत वचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुन कबहु बसेऊं किसुगे।
अरे राम राम राम, तुमने किसको गुरु बना लिया? नारद को। नारद के वचन जिस जिसने माने उसका सब चौपट हो गया। नारद के कारण कभी किसी का घर नहीं बसा है आज तक। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। बेचारे दक्ष ने 10,000 पुत्रों को रचा, तपस्या करने जा रहे थे, घर बसाने जा रहे थे, ये नारद जी मिल गए बीच में, ऐसा मंत्र दे डाला, बेचारे घर के रहे ना घाट के। 10,000 पुत्रों को अलग कर दिया दक्ष से। और चित्र के तु घर उन घाला, चित्र के तु घर उनगन घाला, कनक कसे विपुन असे असहाला। ऐसे ही चित्र केतु के साथ उन्होंने किया, बाबा जी बना के धर दिया, घर घर भटकता रहा। और हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद को ऐसा वर्ग लाया कि वो पिता को ही मरवा करके माना। जहां जहां ये नारद पहुंच जाते हैं ना, नारद सिख जे सुने नर नारी, अवस हो ये तज भवन भिकारी। नारद जी की बात जिस जिसने मानी है, या तो आपस में लड़ाई हो गई है, या घर छूट गया है, और नहीं तो कटोरा लेकर के भीख मांगने लगे हैं। मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि तुम नारद के वेश पर आकर्षित हो गई हो। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहें कीना। ये जो नारद है ना, देखने में बढ़िया लगता है, हाथ में बीड़ा गले में माला, लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं इससे। लेकिन जैसा ये अकेला है ना, ना माता पिता संग में, ना कोई बंधु बांधव, ना कोई घर, ना बाहर, ये सबको अपना जैसा करना चाहता है, इसलिए ऐसे ही मंत्र देता रहता है। कुछ विचार करो, शिव से प्रेम हटा दो, तपस्या छोड़ो, घर जाओ, मौज मस्ती अपने आराम से, राजा की बेटी होकर के विश्राम करो, आराम करो, कहां तपस्या के चक्कर में फंस गई हो। उठो उठो, अपने घर जाओ। मुस्कुराई और कहा कि मेरे पिता का नाम है हिमवान, हिमालय, और हिमालय को लोग पत्थर के नाम से जानते हैं, तो पत्थर की बेटी पत्थर ही तो होगी। आप सप्तऋषि हैं, पूरी दुनिया भी यदि शंकर की बुराई करे, तो मेरे मन से भगवान भोलेनाथ एक पल के लिए भी हटने वाले नहीं हैं। और आप लोग मेरे गुरु की बुराई कर रहे हैं, जो गुरु की बुराई सुनता है वो नरक में जाता है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्ध देही। जो गुरु की आज्ञा में संशय करता हो, गुरु के वचनों पर विश्वास न करता हो, वो सपने में भी कोई सिद्धि लेना चाहे तो उसे मिलने वाली नहीं है। विश्वासो गुरु वाक्येषु, जो गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा उसे सारी सिद्धियां मिलेंगी, उसके सारे संकल्प पूर्ण होंगे, जो वो चाहेगा जीवन में वो कर लेगा गुरु की कृपा से। सत्य कहो गिर भवतन एहा, हम ना छूट छुटे बर देहा। मैं पहाड़ की बेटी हूं, मैं डिगने वाली नहीं हूं, मैं अडिग हूं। नारद वचन न मैं परिहर हूं, बसों भवन उजरों नहीं डर हूं। मैं अपने गुरुदेव श्री नारद जी का वचन छोड़ने वाली नहीं हूं, चाहे मेरा भवन उजड़ जाए और चाहे मेरा भवन बस जाए। सुनो, नारद जी को सुन लिया, थोड़ा हमें भी सुन लो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बोलिए। देखो, हम तुम्हें एक ऐसा वर बताते हैं, बहुत सुंदर हैं। कौन? विष्णु भगवान रत्नों के सागर में रहते हैं, शेष जिनकी सेवा में हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं, सर्वांग सुंदर हैं, आज तक उनको कोई मोहित नहीं कर पाया है, जो उनको देखता है वही मोहित हो जाता है। हम उनसे कहेंगे, वो आपको भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, बस एक बार आप हां कर दीजिए। पार्वती जी ने कहा, कान खोल करके सुन लो,
महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जेहि कर मन रम जाहि सन तेई 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 सन काम। चाहे विष्णु भगवान बहुत सुंदर हो, गुणों की खान हो, और चाहे मेरे भोलेनाथ बिल्कुल निर्गुण हो, बिना गुण वाले हो, लेकिन जिसका मन जिसमें रम जाता है ना, उसे उसके अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता, तो आप हमारी बात नहीं मानेंगे, फिलहाल तो नहीं मानेंगे। जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, सुनती हो सिख तुम्हारे धर सीसा। यदि आप हमें नारद जी से पहले मिल जाते तो हो सकता है हम नारद जी की बात ना मानते, हम आपकी बात मानते। अब तो हमारी लगन लग गई है। अब मैं जन्म संभु हित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। अब तो हमने ये जन्म भगवान शंकर के नाम कर दिया है, साथ क्या सारा संसार हमको समझाए तो हमारे समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा, क्या हम अगले जन्म के बारे में आपसे बात करें कि आप अगले जन्म में हम जो बताएंगे उससे विवाह कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। कोटे जन्म लग रगर हमारी, बरहूं संभुनत रहूं कुमारी। अरे एक जन्म क्या, करोड़ जन्म भी यदि हमारे हों तो मैं भगवान शंकर से ही विवाह करूंगी, और शिव अगर विवाह करने को राजी नहीं हुए तो मैं कवारी ही रहूंगी। पति यदि चाहिए तो भगवान शंकर ही चाहिए। कान खोल करके सुन लो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा जाएगा। कभी
सकती तुम्हारे एक सारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकती तो सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा तो सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा जा
शंकर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्तऋषि गए, जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। सक्सेना जी कैमरा सामने ही चाहिए, गर्दन चढ़ी जाएगी। हे प्रभु, जगदम्बा पराम्बा पार्वती पूरी तरह आपके चरणों में तन मन सर्वस्व समर्पण कर चुकी हैं, ना आपके अलावा कहीं देखने को तैयार हैं, ना किसी को सुनने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह आपके लिए समर्पित हैं। हम सप्तऋषियों में जितनी योग्यता थी सारी योग्यता को हमने वहां पर प्रकट करके देख लिया। जैसे समुद्र पर्वत से टकराकर लौट करके आ जाता है, इसी प्रकार हमारा ज्ञान समुद्र हो सकता है, लेकिन वो हिमालय की बेटी हैं। हमारी सारी योग्यता को उन्होंने न्यून कर दिया। सप्तऋषि प्रणाम करके चले गए। भगवान भोलेनाथ को एक कौतुक सूझा। श्री भोलेनाथ एक जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण करके जहां पार्वती तपस्या कर रही हैं वहां पहुंच गए। अरे बेटा, क्या कर रही हो? अरे देवी, इतनी बड़ी तपस्या किसके लिए? क्यों, कोई बहुत बड़ा संकल्प कर लिया है क्या? आपको मतलब, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत लंबे समय से तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो? मैं भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर को अपने पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। अरे राम राम राम, तुम्हारी सारी तपस्या बेकार गई। क्यों, कोई अच्छा कुबेर, इंद्र, वरुण, भगवान विष्णु और भी देवता हैं, अश्विनी कुमार हैं, सूर्य हैं, अरे कोई देवता के लिए आप तप करती, काम बन जाता, जीवन सफल हो जाता, जिसके ना कोई भाई बहन, जिसके माता पिता का पता नहीं, जिसके घर बार का नहीं मालूम, जिसके गोत्र का नहीं मालूम, कमाल है। आप स्त्रियों में रत्न हो, आपके पिता पर्वतों के राजा हैं, सोने की मुद्रा लेकर के आप कांच लेना चाह रही हैं, उज्जवल चंदन छोड़ करके आप अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाह रही हैं, सूर्य के तेज का परित्याग करके आप जुगनू की चमक पाना चाह रही हैं, महीन रेशमी वस्त्र त्याग कर आप शरीर को चमड़े से ढकना चाह रही हैं, घर में रहना छोड़ करके आप वन में धुनी रमाना चाह रही हैं। हे देवेश्वरी, इंद्र आदि लोकपालों को त्याग करके इस शिव का वरण करना चाहती हो, रत्नों के भंडार को छोड़ करके लोहे को पाना चाहती हो, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। पार्वती जी ने कहा, आपने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है, हर आदमी आपसे ही पूछ के तपस्या करे, हर आदमी की पसंद आपसे ही पूछ करके हो, मैं केवल 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 भगवान शंकर को ही चाहती हूं, मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से सीधे चले जाएं, नहीं तो मैं आपका फटकार, मैं आपका अपमान कर दूंगी, मैं आपको फटकार दूंगी। अपनी सखी से कहा कि इसको दूर करो, यहां से बाहर करो, ये जो भी है इसको यहां से बाहर निकालो। सखी ने कहा, बाबा जी बाहर चलो, ब्राह्मण देवता बाहर चलो। थोड़ा दूर हो गए लेकिन फिर शिव निंदा करने लगे, तो पार्वती जी ने कान में उंगली दे ली। न केवलम भवेत पापम निंदा कर्तु शिवस्य ही, यो वैष्णोति तन्निंदाम पाप भाक्ष भवेदिह। केवल भगवान शंकर की निंदा करना ही पाप नहीं है। यदि कोई शिव निंदा कर रहा हो और वहां बैठ करके हम सुन रहे हो, भले ही चाव से नहीं सुन रहे हैं, खाली कान में पड़ रही है, दुनिया भर की आवाजें कान में जाती हैं, ऐसे यदि भगवान शंकर की निंदा कान में जा रही हो तो भी महापातक, बड़ा पाप लगता है, भगवान शंकर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। इसको और दूर करो और यहां से दूर भगाओ। सखियों पर चिल्लाई पार्वती जी, इसको भगाओ यहां से। वो ब्राह्मण देवता शंकर रूप में प्रकट हो गए
और कहा देवी मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आप परमात्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, आप प्रकृति हैं, मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, आपका हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, चलिए हमारे साथ, आप हमें पति के रूप में पाना चाहती हैं ना, आओ चलो चलते हैं, कहीं दूर चले चलेंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे, ऐसे निर्जन स्थान पर रहेंगे जहां केवल हम और तुम ही हो। पार्वती जी ने प्रणाम किया कि एक कन्या से कई लोगों का सम्मान जुड़ा रहता है, पिता का सम्मान, माता का सम्मान, गुरु का सम्मान, भाइयों का सम्मान, और तो और जिसके साथ उसका विवाह होता है सबसे बड़ा उसका सम्मान। हे प्रभु आप बारात लेकर के आए, हमारे घर वाले और आपके घर वालों के सानिध्य में हमारा विवाह पढ़ाया जाए, अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपका वरण करूं, आप मेरा पारिग्रहण करें, इसमें सभी का भविष्य उजाला है, सभी को आनंद आने वाला है। जो लोग विवाह से पहले भाग जाते हैं समाज में उनको सम्मान नहीं मिलता है, और एक जने का निर्णय सबके लिए परेशानी पैदा कर जाता है, जिसकी बहन भाग जाए वो भाई परेशान, जिसकी बेटी भाग जाए वो माता पिता परेशान, और जो भगा के लाता है ना उसके लिए कमरा भी किराए पे नहीं मिलता है, उसको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किस जमाने में ये शिव पुराण रचा गया होगा, भगवती पार्वती जो ज्ञान दे रही हैं, वार्तालाप तो है शंकर और पार्वती का, लेकिन एक एक अक्षर हम लोगों के लिए है, संसारी लोगों के लिए है, कि जीवन में कभी कभी कोई कोई निर्णय हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, उससे हमें बचना चाहिए। 10 मिनट में या 2 दिन में या महीने भर में किसी प्रेमी से प्रेम हो जाता है, जो माता पिता हमारे बचपन से हमको पाल रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार करके उन्होंने अपनी संतान की इच्छा पूरी करी है, और उनको छोड़ करके हम भाग जाएं, बिल्कुल गलत निर्णय है। कन्या को तो माता पिता का, भाई का, जिस घर में विवाह के जाएगी उस घर का, सबका सम्मान अपने ध्यान में रखना पड़ता है। हे भोलेनाथ आप बारात लेकर के आइए, बारात तो बाद में लाएंगे, पहले हमारे पिताजी के पास आओ, हाथ जोड़ करके मेरा हाथ मांगो, मेरे पिताजी जब स्वीकार कर लें तब मुहूर्त निकलवाओ, फिर बारात लेकर के आओ, और मुझे पालकी में बिठा करके अपने साथ ले जाओ। भगवान शंकर मुस्कुरा करके चले गए, बहुत जल्दी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। लीलाधारी भगवान भोलेनाथ ने एक लीला और रच दी, हिमवान परदेश गए हुए हैं, मैना अकेली हैं, सखियों के साथ बैठी हैं, नटका वेश धारण करके भगवान भोलेनाथ वहां पहुंच गए, एक हाथ में डमरू एक हाथ में श्रृंग, कभी बंसी बजाएं, कभी डमरू बजाएं, कभी जोर जोर से नाचने लगें, कभी बढ़िया बढ़िया गाने लगें, इतना सुंदर गाने और नाचने लगे कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, बच्चे बूढ़े जो सुन रहा है चला चला आ रहा है, और बहुत जोरदार चारों तरफ एक सभा जुड़ गई और भगवान नाच रहे हैं, कोई नहीं जानता, सब कह रहे हैं ये नट बहुत अच्छा है, ये भील बहुत अच्छा है। पार्वती भी वहां चली आई, अपनी माँ के बराबर आकर के बैठ गई। जब इनका नृत्य पूरा हुआ तो मैना ने प्रसन्न होकर के थालियों में सोने की मुद्राएं मंगवाई, मोतियों की माला मंगवाई, और भी वस्त्र आभूषण मंगवाए, और कहा दासियों से इसे दे दो, ये नट बहुत अच्छा नाचा है, इसे दे दो, इनाम में दे दो। नट ने कहा मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपके बराबर में आपकी बेटी बैठी है, बहुत सुंदर है, मुझे यही चाहिए। पार्वती जी को क्रोध आ गया, बोले मैं तो भगवान शंकर की पत्नी बनूंगी, मेरे को किसी और को देखना भी पसंद नहीं है, और मेरे बारे में तुम सोचना भी नहीं, यहां से चले जाओ।
इतनी देर में हिमवान आ गए। क्या है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, काय की भीड़ लगी है? महाराज ये नट है, बड़ा जोरदार नाचा था, बहुत अच्छा गाया, सबका मनोरंजन हुआ, सारी प्रजा प्रसन्न है, हमने सोचा इसको कुछ इनाम दिया जाए, लेकिन ये बावड़ा कहता है कि मैं तो तुम्हारी बेटी को इनाम में लूंगा। ए जवान संभाल करके बात करो। तभी शंकर ने लीला रची कि तुरंत ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, हिमाचल देखने लगे, अरे अभी तो ये नट था और अभी अभी ये ब्रह्मा बन गया, ये कैसे संभव है? देखो लगता है कि तुम कुछ जादू वादू जानते हो, वेश बदलना जानते हो, तुम हमें मोहित नहीं कर पाओगे, जाओ जाओ यहां से चले जाओ। तभी शंकर भगवान ने विष्णु का रूप धारण कर लिया, ब्रह्मा बनकर के भी कहा तुम्हारी बेटी से विवाह करना है, विष्णु बनकर के कहा तुम्हारी बेटी से विवाह करना है, लेकिन पार्वती जी ने मुंह फेर लिया, बोले मैं तो शिव के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहती, यहां से चले जाओ नहीं तो आपका अपमान हो जाएगा। ब्रह्मा का विष्णु का रूप धारण किया, हिमवान सोचने लगे आखिर में ये है कौन। हिमवान ने प्रणाम किया और कहा कि हे देव, आप जो भी हैं अपने वास्तविक रूप में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शंकर भगवान का दर्शन करते ही मैना पार्वती हिमवान गदगद हो गए, प्रणाम करने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय। प्रभु ये लीला क्यों रची आपने? मैं आपकी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं, आप बताइए आपका क्या विचार है? जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, आप शुभ मुहूर्त निकलवाइए, ये विवाह बहुत जल्दी होना चाहिए। शंकर भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए, अभी चैन नहीं है। फिर एक लीला और रच डाली, एक वृद्ध ब्राह्मण जो देखने में बड़ा तेजस्वी लगता है, तपस्वी लगता है, चला आया हिमवान के महल में और जहां मैना बैठी है सखियों के साथ, वहां आकर के कहने लगा आपके यहाँ कोई उत्सव होने वाला है क्या? हाँ हाँ हमारे यहाँ उत्सव होगा, हमारी बेटी का विवाह होगा। अच्छा किसके साथ होगा? बोले भगवान शंकर के साथ में होगा। अरे राम ये तुम लोगों ने क्या निर्णय ले लिया है, हैं? ऐसा क्यों कहते हो ब्राह्मण? शंकर जी के जितने गुण हैं उनको दुर्गुणों के रूप में प्रकट करने लगा ब्राह्मण। किसको तुमने सुना है? क्या संसार में तुमको कोई सुंदर लड़का नहीं मिला? नागों को धारण करने वाला, मुंडवाल धारण करने वाला, सद्विद आचरक पंथा ये नस्तब्धेन दूषिता, शमशान की भस्म लगाने वाला, भक्षा भक्ष खाने वाला, धतूरा खा करके नशे में रहने वाला, ऐसा बेटा ऐसा वर सुना है तुमने? मेनका को क्षोभ हो गया, बोले मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, जो आता है वो ऐसे ही बोलता चला आता है। मेनका को इतना क्रोध आया कि निर्णय ले लिया कि मैं अब शंकर के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। मेनका का निर्णय तीनों लोकों में सबको मालूम हो गया, भगवान शंकर को पता चला। भोलेनाथ बोले अरे ये तो आज काम बिगड़ गया, क्या करना चाहिए? तब सप्त ऋषियों के साथ माता अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी है उनको भेजा है कि जाओ जाकर के उनको मनाओ। वराया अनुरूपाय पिता कन्याम ददात चेत कामान मोहान भयान लोभात स नष्टो नरकम रजे। सप्त ऋषियों ने आकर के मेना और हिमवान से कहा जो पिता अपनी कन्या का दान किसी भी असभ्य के साथ, असख्य के साथ, असमर्थ के साथ कर देता है उसे कन्यादान का पुण्य नहीं मिलता, उसे पाप मिलता है। ब्राह्मणों को जो दिया जाए वो दान कहलाता है, ब्राह्मणों के अलावा अन्य जाति को दिया जाए वो पुण्य कहलाता है, लेकिन एक दान लेने का अधिकार सबको है, वो दान है कन्यादान। मनुष्य अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनेक प्रकार के दान करता है, लेकिन तीन दान हर व्यक्ति को आंख खोल करके, सोच विचार करके, पूरे विवेक का प्रयोग करते हुए करना चाहिए।
पहला दान है कन्यादान, बायोडाटा, जन्म पत्री, रिश्तेदारी पूरा पता करके ही संबंध करना चाहिए। दूसरा है गौदान, गाय उसी को दान में दें जो उसको पाल सके, सेवा कर सके, ये नहीं कि इधर दान लिया उधर बेचे आए। तीसरा दान है भूमि का दान, कहीं हम कमरा बनवाएं, कहीं हम आश्रम में, गौशाला में, कहीं भी हम दान दें निर्माण के लिए अथवा भूमि क्रय के लिए। सोच विचार करके देना चाहिए कि हम जो दान दे रहे हैं वो जाएगा कहां, लगेगा कहां। वशिष्ठ जी ने हिमवान से कहा, निश्चय ही आप पिता हैं, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी बेटी को सही जगह विवाहें, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ग्रही ददाति स्वसुताम राज संपत्तिशालिने कन्यकाम दुखने दत्वा कन्या घाती भवेत पिता। जो पिता अपनी कन्या को गरीब को विवाह देता है, जुआरी को, शराबी को, कोड़ी को, कलंकी के साथ विवाह कर देता है, उसे कन्या के हत्या करने का पाप लगता है। और जो पिता अपनी कन्या को अपने से उत्तम वर को दान करता है उसे पुण्य मिलता है। भगवान शंकर के समान आज ना कोई धनवान है, ना गुणवान है, ना यशवान है। आपसे यदि किसी ने कुछ कहा है तो वो सदा गलत कहा है, आपको विचार करना चाहिए। बहुत सुंदर तरह से समझा करके सप्तऋषि गए, पति पत्नी दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हम बहुत जल्दी विवाह करेंगे अपनी बेटी का। हिमवान ने अपने बंधु बांधवों को बुलवाया, सारे दुनिया के पर्वत वहां चल करके आ गए, गिरिराज, मेरु, सह्य, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक, विंध्याचल, सारे पर्वतेश्वर आ गए और कहा, बताओ मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ करूं या नहीं करूं। सबने कहा, बोले बिल्कुल अब आपको विवाह करना चाहिए। हिमवान ने लगन पत्रिका लिखी और अपने कुलगुरु के द्वारा सप्तऋषियों के साथ लगन पत्रिका को भिजवाया श्री शंकर भगवान के पास। सनकादिकों के सामने ब्रह्मा जी को लगन पत्रिका भेंट की गई और कहा, महाराज फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन, जिसे शिव चौदस कहते हैं, उस दिन भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के आए, मैं स्वागत करूंगा और अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। चारों तरफ आनंद उमर पड़ा, विश्वकर्मा स्वयं चले आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को सजाना शुरू कर दिया। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दरदुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश, सारे पर्वत आ गए और वहां अलग अलग सबने काम बांट लिए। मैं बारात का स्वागत करूंगा, मैं भोजन की व्यवस्था संभालूंगा, मैं बारातियों के ठहरने की व्यवस्था संभालूंगा। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, बेणी, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, सरयू, सारी नदियां आ गईं और उन्होंने मेनका के महल में स्त्री का रूप धारण करके जितने महल के अंदर कार्य हैं वो सारे संभाल लिए। विश्वकर्मा ने ऐसा नगर सजाया है, ब्रह्मा विष्णु सब कृत्रिम बना दिए, सारे देवता कृत्रिम बना दिए, बहुत कुछ वहां पर ऐसा था जो अटपटा लगने वाला था। बारात जब आएगी तो देख करके आश्चर्यचकित रह जाएगी। लगन पत्रिका को देख करके भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी को बुलाया, नारद जाओ और जाकर के देवता गंधर्व, किन्नर, चारण, यक्ष, ऋषि, मनव, किमपुरुष, बैताल, भूत, यक्ष सबके लिए निमंत्रण दे दो, सबको बारात में चलना है। नारद जी ने तीनों लोक चौदह भुवन में बुलावा लगा दिया। लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुबद करहीं अप्सरा गान।
अप्सराएं गान करने लगी, सब लोग अपने विमानों को सजाने लगे, तैयारियां होने लगी, बारात लेकर के चल रही हैं, सारे देवता विष्णु भगवान को लेकर के सजाने के लिए आ गए। दूल्हे को जरा दूल्हे को सजा दिया जाए। शिव ही शंभु मन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुबेर जी बहुत बढ़िया शेरवानी लेकर के आए, बोले महाराज अचकन पहन लो, जामा पहन लो, दूल्हा बन जाओ। नहीं नहीं, हम तो बाघम्बर ओढ़ेंगे। कोई देवता मुकुट लेकर के आया, बोले सेहरा धारण कर लो, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। नहीं, हमने एक सांप को बोल दिया है, वो फन फैला करके बैठा रहेगा, दूर से सेहरा जैसा लगेगा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पटके हरी छाला। कोई देवता कुंडल लेकर के आए, कुंडल पहन लो, बोले ना, पतले पतले दो सांप कान से लटका लिए, बोले भाई फन फैलाए बैठे रहना, जो कुंडल जैसे लगो। कोई बहुत बढ़िया परफ्यूम लाया, बोले महाराज इत्र लगा लो, सुगंधी लगा लो, बोले ना ना, अभी अभी कोई मरा है, चिता जल रही है, गरम गरम भस्म आएगी और उसी को हम लगाएंगे। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। दुपट्टा तो डाल लो, एक सांप लेकर के डाल लिया लंबा सा, जो गर्दन में होकर के हाथों पे लपेट लिया, और अरे तिलक तो लगा लो, बोले नहीं, तीसरा जो नेत्र है यही हमारा तिलक है। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। महाराज माला ले आए, कदम्ब की, गुलाब की, कमल की, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली की। नहीं नहीं, हम तो मुंडमाल धारण करेंगे। शंकर जी के बारे में लोग आप मर्जी आए जो रचना कर लेते हैं, शिव विवाह गाने वाले तरह तरह की चर्चा करते हैं। बोले जब मुंडमाल धारण करके ससुराल में पहुंचे तो ससुराल की स्त्रियां बातें कर रही थीं, बोले इसके कई विवाह पहले हो चुके हैं, और जो इससे विवाह करती है वो मर जाती है, और उसी की खोपड़ी ये गले में धारण कर लेता है। जितने माला में जो मुंड दिखाई दे रहे हैं वो इसकी पहली पत्नियों के हैं, जो चाहे सो कह सकते हैं, शंकर जी बुरा नहीं मानते। देख से वही सुरत्रिय मुस्काही, वर लायक दुल्हन जग नाही। लक्ष्मी जी आई हैं विष्णु जी के साथ में, सरस्वती आई हैं ब्रह्मा के साथ में, शची आई हैं इंद्र के साथ में, अरुंधति जी आई हैं वशिष्ठ जी के साथ में, लोपामुद्रा जी आई हैं अगस्त जी के साथ में, सारी स्त्रियां देख रही हैं, जय हो भोलेनाथ, लगता है कि आपके लायक तो दुल्हन संसार में है ही नहीं। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हे अनरूपा। बरातियों ने देखा कि ये दूल्हा हमारा कहना नहीं मान रहा है, क्या किया जाए, कौन समझाए इनको। बरात में हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए, विष्णु भगवान ने मजाक करी। विष्णु कहा असे भी हसी तब, बोले सकल दिशे राज, बिलग बिलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाज। जो दूल्हा कहना नहीं माने उसे छोड़ दो और अपने अलग अलग चलो। सारे देवता अलग अलग झुंड बना करके चल दिए, शंकर जी अकेले रह गए। यहाँ कोई बरातियों की कमी थोड़ी है जो किसी के हाथ पैर जोड़े के भाई जरूर आना, जरूर चलना। शंकर जी ने जो भेरी बजाई, शंख बजाया, ओरिजिनल बराती प्रकट हो गए। अंधे लूले लंगड़े काने भेरे कुबड़े, सब जने शंकर जी की बरात में चलो। राम जी की बरात में शंकर जी गए ना, एक गली में अंधेरा हो रहा था, कुछ लोग रो रहे थे, शंकर जी उसमें गए। तुम लोग कौन हो, बोले हम असगुन हैं। क्यों रो रहे हो, बोले कोई हमें साथ नहीं ले जाता, कोई नहीं चाहता मंगल कार्य में असगुन हो। हमने आज तक कोई बराती नहीं करी,
शंकर जी बोले तुम्हारे लिए मैं एक विवाह और करूंगा और जब मेरी बारात निकलेगी तो तुम लोग जरूर आइएगा, मोस्ट इनवाइटेड, आपको मेरी बारात में जरूर चलना है। शंकर जी ने बजाया शंख, भूत पेद चुड़ैल आगे, बैंड बाजी का काम नहीं, भूत लोग अपने पेट को ही पीट रहे हैं, ढम ढम चुड़ैले बालों को फैला फैला करके नाच रही हैं। तन खो की तन खीन कौवत पीन पावन कौ अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन धरे खर स्वान सुअर सगाल मुखगन वेश अगनित को गने बहुजन से प्रेत पिसाच जोगे जमात वर्णत नहीं बने। पैरों से लेके गर्दन तक मनुष्य जैसा और ऊपर गधे काम हो, पैरों से लेके गर्दन तक मनुष्य जैसा ऊपर कुत्ते काम हो, श्रृगाल काम हो, हाथी काम हो, घोड़े काम हो, अजीब तरह की जिनकी बनावट है। विपुल नैन कोई नैन विहीना रिष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना, कोई तो बहुत ज्यादा पतला है जोर की हवा चल जाए तो उड़ने लग जाए, पकड़ना पड़ जाए, और कोई बराती इतना मोटा है कि चार छह जने मिलकर के उसका पेट उठावे तब वो दो कदम चले, किसी के चेहरे पर आंख नहीं है, सपाट है चेहरा, और किसी के इतनी बड़ी आंख है कि यदि उस आंख से आंख मिल जाए तो रात में आंख नहीं लगे डर के मारे, स्थिति बड़ी भयंकर, बड़े बड़े नाखून है। भूत प्रेत चले ना तो बड़े बड़े भूत अपने बच्चों को समझा रहे, देखो आदमी के मोहल्ले में चल रहे हैं, सावधान रहना, इन आदमियों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भूतों को बोतल में बंद कर लेते हैं, हड़िया में बंद कर लेते हैं, हाथ छोड़ करके इधर उधर मत चले जाना, साथ में रहना नहीं तो बंद कर लिए जाओगे। इन मनुष्यों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूतों को काम पर लगा देते हैं, भूत से भी ज्यादा खतरनाक है ये मनुष्य, इससे सब घबराते हैं, तुम भी सावधान रहना। बारात जो चली है आनंद आ गया है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नाग किन्नर नाच रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, बहुत जोर का आनंद आ रहा है। हिमाचल ने अपने राज्यसभा सदस्यों से कह दिया भारत के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, जो सराफे के व्यापारी हैं उन्हें चांदी सोने के आभूषणों से दरवाजा सजाया, जो कपड़े के व्यापारी हैं बजाज लोग उन्होंने और तरह से सजाया, मालियों ने फूलों के दरवाजे बनाए, बर्तनों के व्यापारियों ने बर्तनों से दरवाजे सजाए, भारत का जगह जगह स्वागत होगा, स्वागत करने के लिए कहीं ठंडाई, कहीं लस्सी, कहीं दूध, कहीं मठा, कहीं मिठाइयां, कहीं पुष्प वर्षा, कहीं इत्र के फुआ, कहीं चंदन से, हर जगह अलग तरह से स्वागत होगा। स्वागत करने वालों में बड़ा उत्साह है, तभी हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। देखें सबसे पहले सात सूण के हाथी पर एक दिव्य राजकुमार बैठा है, बड़ा ही सुंदर है। जितने भी बराती हैं उनके लिए फूल माला मंगाई गई हैं और दूल्हे के लिए बड़ा वाला हार मंगवाया गया है, मोटा वाला। बरातियों को माला पहनाई गई, स्वागत किया गया, लाओ लाओ बड़ा वाला हार लाओ, दूल्हे को पहनाते हैं। हाथी पर बैठा युवक वे बोला मैं दूल्हा नहीं हूं, हैं आप कौन है? मेरा नाम इंद्र है, मैं दूल्हे का मैनेजर हूं और मेरा काम है आगे आगे रास्ता देखते हुए चलना, व्यवस्था देखते हुए चलना। स्वागतम स्वागतम, आइए आइए पधारिए महाराज, आगे बढ़िए, और उनको आगे बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर में फिर अल्लाह मचा, बरात आ गई, बरात आ गई, ले अब गान बरात ही आए दिए सबे जनवास सुहाए। जैसे ही निगाह पड़ी बरात पर, एक रथ में पीले कपड़े पहने दाढ़ी वाले बाबा बैठ रहे हैं, जिनके चेहरे पर बड़ा ही तेज है। स्वागत करने वालों ने सोचा हो ना हो यही पार्वती का दूल्हा होगा, नारद जी ने बतलाया था कि वो जटाजूट वाला होगा। लाइए बड़ा वाला हार लाओ, दूल्हे राजा को पहनाओ। रथ में बैठे सज्जन बोले मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हे का
विवाह कराने वाला पंडित हूँ, मेरा नाम बृहस्पति है, मैं तो बारात में आया हूँ। स्वागत करने वाले सोच रहे हैं पंडित जी इतने स्मार्ट हैं तो दूल्हा पता नहीं कैसा होगा। जलपान कराया और उनका भी स्वागत करके नगर में आगे बढ़ा दिया। फिर थोड़ी देर में शब्द सुनाई देने लगे, लगता है बारात आ गई। हाथी के ऊपर सोने की अंबाबारी में एक सुंदर पुरुष दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राएं लुटाता चला आ रहा है चारों तरफ। स्वागत करने वालों ने देखा, लगता है यही दूल्हा है। हमारे यहाँ बारात निकलती है तो ताऊ बाबा वो लोग पैसा लुटाते हैं, मेवा लुटाते हैं। हो सकता है अलग अलग जगह की अलग अलग रिवाज होती है, इनके यहाँ खुशी के मारे दूल्हा ही लुटाता होगा। लाओ लाओ बड़ा वाला हार लाओ, दूल्हे को पहनाओ। जैसे ही हार लेकर के आए, दूल्हे ने कहा, बोले मैं दूल्हा नहीं हूं, आप कौन है जी? मेरा नाम कुबेर है, मैं दूल्हे का खजांची हूँ, मेरा काम तो बारात में धन वर्षा करने का है। आइए आपका स्वागत है। सोने के चांदी के गिलासों में ठंडाई पिलाते देवता, एक गिलास ठंडाई पी के कह देते हैं, आहा आनंद आ गया जी, बहुत बढ़िया। अरे लीजिए ना, हमारे यहाँ टंकी भरी पड़ी है, इनका क्या होगा? देवता मनी मन में कह रहे हैं, बोले पीछे ऐसे बराती आ रहे हैं जो गिलास से नहीं पिएंगे, तुम्हारी टंकी ही काम आने वाली है। देवताओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया गया और जो भगवान शंकर की बरात आई, शिव समाज जब देखन लागे बिडर चले वाहन सब त्यागे। जो भूत प्रेत चुड़ैलों को देखा, स्वागत करने वाले भाग गए। स्वागत करने वालों में कोई पत्रकार भी आए हुए थे, बराती के सामने माइक लगा के पूछने लगे, हाँ जी आपको शंकर जी की बरात में कैसा लग रहा है? और जो चुड़ैल ने मुंह खोला अपना, वहीं हार्ट फेल हो गया। आगे के बराती नाचने लग जाएं तो शंकर जी आगे की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, और पीछे के बराती नाचने लग जाएं और हो करके हल्ला करें कि दूल्हे राजा हमें भी देखिए, बैल के ऊपर मुड़ करके बैठ जाते। आगे बैल चल रहा है और पीठ करके बैठे हैं, पीछे वालों का नाच देख रहे हैं, कभी तो खुद मटकने लग जाते भोलेनाथ। जैसे ही बरात को देखा, स्वागत करने वाले भाग गए, सारे नगर में हल्ला मच गया। अपने अपने घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर लो, एक भी बराती अगर रात में विश्राम करने के लिए आ गया तो घर खाली करना पड़ जाएगा। कोई स्वागत करने वाला नहीं है, कोई चिंता नहीं। शंकर जी को ना मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है। भोलेनाथ पहुंचे हैं, मैना को मालूम पड़ा कि दूल्हे राजा आ रहे हैं, चलो स्वागत करने के लिए चले। दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए पार्वती जी की माँ मैना सोने की थाली में, सोने की लुटिया में जल स्वागत का सामान लेकर के चलने लगी हैं। दरवाजे पर पहुंची, भगवान शंकर का जो वेश देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। आरती से स्वागत करने लगी, शंकर जी ने एक सांप में उंगली मार दी और सांप ने फुंकार मारी थाली में, पटक करके थाली मैना जी भाग गई। बगल वालों ने कहा, दूल्हे राजा ये क्या कर दिया आपने, सासू जी को नाराज कर दिया। क्या बताएं, हमारी जन्मपत्री में ससुराल वाले ग्रह थोड़े गड़बड़ हैं, पहले विवाह किया था ससुर जी नाराज हो गए और अब की बार सासू जी नाराज हो गई, आगे साले का नंबर लेंगे, चलो काम आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं, पार्वती जी माँ को अत्यंत क्रोध आ गया। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर भा बसत उजाड़ा। जब ब्याह में कोई कमी हो जाए तो सगाई कराने वाले की आफत आती है। बढ़िया बढ़िया होता रहे तो सगाई कराने वाले को कोई याद नहीं करता है। हे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?
जो तुमने हमारी बेटे के लिए ऐसा बेटा बता दिया, ऐसा वर बता दिया, इससे तो मैं विवाह कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी बेटी बिना विवाह ही रह जाए। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध मह परो, घर जाओ अप जस होत जग जीवत विवाह न हो करो। चाहे मैं पहाड़ से ऊपर कूद करके आत्महत्या कर लूंगी, चाहे मैं आग में जल जाऊंगी और चाहे मैं समुद्र में डूब जाऊंगी, तीन उपाय बतलाए आत्महत्या करने के, उस समय तीन ही थे और ज्यादा है नहीं थी उपाय, तो अब ज्यादा चल गए हैं सुसाइड के, इसलिए हो भी ज्यादा रही है। पहले लोग खाली कहते थे, करते नहीं थे। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। बही विकल अवला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोधत बदते सुता स्नेह संहार। पार्वती की माँ का रुदन देख करके सब लोग भयभीत हो गए, सब लोगों के मन में क्लेश हो गया, अरे कितना बढ़िया आयोजन हो रहा था, उत्सव हो रहा था, ये क्या हो गया। नारद जी को बुलाया जाए तुरंत। आजकल तो विवाह कराने की कई वेबसाइट बन गई हैं, कई लोग काम भी करते हैं संबंध कराने का। एक पिताजी का फोन आया, बोले मेरी बेटी है विवाह के योग्य है, आप मेरी बेटी के लिए जल्दी से जल्दी कोई वर बताइए, मुझे बहुत जल्दी ब्याह करना है अपनी बेटी का। तो संबंध कराने वाले ने पूछा, आपकी बेटी ने क्या कर रखा है, पूछते ही है ना क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या कोर्स कर रखा है। तो पिताजी बोले, अभी तो फिलहाल नाक में दम कर रखा है, जल्दी से जल्दी विवाह कराओ, बाद में बताया जाएगा क्या कर रखा है। नारद जी जानते थे कि ऐसा होने वाला है। नारद जी ने सप्तऋषियों को साथ में लिया, भगवान विष्णु को साथ में लिया और आकर के मैना को प्रणाम करके कहा कि ये तो गौरी हैं, वो महादेव हैं, ये जगदम्बा हैं, वो जगत के पिता हैं, आपने अपनी बेटी को बेटी मान लिया है, यही तो भूल है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मह व्याप्यौ सकलपुर घर घर यह संवाद। हे माँ आप क्रोध मत करिए, इनका तो जन्म जन्म का संग है। नारद तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है मुझे, तुम इतना ज्यादा बोलते हो, तुम्हारे बारे में मैंने लोगों से सुन रखा है, तुम गड़बड़ करा देते हो। तब विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान ने मैना से कहा, माँ आप निश्चिंत होकर के विवाह करिए, हम ब्रह्मा जी और रुद्र तीनों बराबर हैं, तीनों समान देवता हैं, वो हमारे ही भाई हैं। देखो जी किसी के भी भाई हो किसी के भी कोई हो, ये जटाजूट वाला मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे के साथ विवाह नहीं करूंगी। जब तक शंकर सुंदर रूप धारण करके नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी बेटी का विवाह करने वाली नहीं हूं। ठीक है, थोड़ी देर में हम तैयारी करते हैं, आप अपने मन को शांत करिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर के भोलेनाथ के पास आए और कहा, महाराज आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आपको ये रूप छोड़ना पड़ेगा। श्रुत्वा सा तदवचो मेना विस्मिता शैल कामनी, ददर्श शिव रूपम तत्परमानंद दायकम। ऐसा रूप धारण करना है कि मैना विस्मित हो जाए, पहचान नहीं पाए। स्वयं लक्ष्मी नारायण ने श्रृंगार किया, अष्ट सिद्धि नवनिधियां आकर के श्रृंगार करने लगी, गंगा यमुना रेवती ताप्ती सारी नदियां गोपियों का रूप धारण करके आ गईं। कोटि सूर्य प्रतिकाशम शर्मावयव सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नाना भूषण भूषितम। विशेष आभूषणों से सजाकर अब तक जो बूढ़ा बैल था वो बैल भी जवान हो गया। शंकर भगवान ने दिव्य अनेक मणियों के अनेक नवरत्नों के आभूषण धारण कर लिए, लेकिन चंद्रमा अभी भी सबसे ज्यादा चमक रहा है।
पैगंबर आज भी नया लग रहा है, भोलेनाथ ने भस्म आज भी धारण करी है, लेकिन विष्णु सब काम बनाने वाले हैं ना, बड़ा अनुरूप सजा करके लाए। मैना को जाकर के समाचार दिया, चलो बारात दोबारा आ रही है। जो दोबारा बारात निकली है उसका वर्णन शिव पुराण में कमाल का है। अष्ट सिद्धि नवनिधि अप्सरा देवता नाचते हुए चल रहे हैं, और किन्नर किम पुरुष गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, विष्णु स्वयं शंख बजा रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं झूमते चल रहे हैं, सप्तऋषि आनंद ले रहे हैं। अब की बार बड़े मन से स्वागत किया गया, मैना द्वारा शिव का परछिन किया गया, संतोष का अनुभव है। लगन मंडप में जाकर के विराजमान कर दिया, पार्वती जी को आज्ञा दी, पार्वती वरमाला लेकर के आओ। वारे भोलेनाथ, किसी को तो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, किसी को अवधूत दिखाई दे रहे हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो जैसे पहले आए थे ना वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को वरमाला लेकर के शंकर जी की तरफ लेके चली। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार गिरजा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, धीरे धीरे लेकर के आ रही हैं, ऐसे लेके आती हैं सखियां दुल्हन को बरमाला लेके, जैसे आईसीयू में से ला रही हों, धीरे धीरे धीरे, जबकि दुल्हन चाहती है सब काम जल्दी सिमटे। बीच रास्ते में सखियों ने शंकर जी के दर्शन कर लिए, जो जटाजूट नाग बिच्छू सर्प देखे, सहेलियों ने कहा पार्वती तुम अकेली चली जाओ, हम नहीं जाएंगी। क्यों, जीजा जी से नहीं मिलोगी? बोले जीजा जी को देख करके तो जी घबरा रहा है, तुम ही जा करके मिल लो, एक भी गिफ्ट दे दिया तो लिफ्ट नहीं मिलेगी वहां से उठाने के लिए। शंकर भगवान के बरमाला डाली, भोलेनाथ ने पार्वती जी को स्वीकार किया, संग में विराजी। अब सब जगह के गार्जियन माने संरक्षक इकट्ठे हो गए, विवाह होने लगा, लेकिन थोड़ी देर में हल्ला मचा, लड़की वालों के पंडित जी नहीं मिल रहे हैं। शंकर जी के सांप बिच्छू कांतरों को देख करके पंडित जी डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए जान बचाने के लिए। पंडित जी कहाँ हैं, पंडित जी कहाँ हैं? शंकर जी बोले पंडित जी वो रहे ऊपर, पंडित जी महाराज नीचे आ जाइए। पंडित जी बोले मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैंने पुराणों में सुना है एक तरफ का पंडित दोनों तरफ का काम करा सकता है, लड़की वाले और लड़का वाले दोनों तरफ के मंत्र पढ़ सकता है। सुनिए, जान पे बनाती है ना तो सारे पुराण याद आ जाते हैं। नीचे आ जाइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। पंडित जी नीचे आ तो गए पर शंकर जी के पास में नहीं बैठे, जो मंडप है उसके बाहर बैठे हैं, वहीं से हल्ला मचा रहे हैं, अब जल छोड़ो, अब फूल छोड़ो, तो मन ही मन में कह रहे हैं मेरा पीछा छोड़ो, मुझे यहां से जाने दो। जैसे ही गठजोड़ा करने का समय आया, पंडित जी ने पार्वती जी की चुंदरी का छोर पकड़ा और बड़े निवेदन करके कहा दूल्हे राजा कोई दुपट्टा है जो गठजोड़ा करा दिया जाए? बोले हाँ है। ओ माँ कहाँ का गठजोड़ा कहाँ का दुपट्टा? एक सांप की पूंछ लटका दी, बोले इसी में गठजोड़ा कर दो। पंडित जी बोले मैं नहीं करूंगा गठजोड़ा, मैंने सांप की पूंछ में मारी गांठ और सांप के कष्ट होगा और सांप की आंख में फोटो खिंच जाती है, फिर वो घर घर जाकर के बदला लेता है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अरे कर दो हमने सांप को पकड़ रखा है, कुछ भी नहीं होगा। ब्राह्मण मनी मन में सोच रहा था, बोले भांग छान रखी है इन्होंने, पता नहीं कौन से सांप का मुंह पकड़ रखा है, कौन से की पूंछ पकड़ा रहे हैं, काम चलाया जाए। पार्वती की चुंदरी में गांठ बना करके और सांप की पूंछ उसमें घुसेड़ दी, थोड़ी देर काम बन जाए, बाद में देखा जाएगा। बड़ी हिम्मत करके पंडित जी बोले दूल्हे राजा गठजोड़ा कराने की दक्षिणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी, एक कंधे पे बिच्छू चल रहा था जो पकड़ के शंकर जी ने कहा, बोले लो दक्षिणा, मुट्ठी बंद है, लगता है कोई विशेष दक्षिणा है, ब्राह्मण ने भी हाथ नीचे लगा दिया, जो देखा बिच्छू चिल्ला पड़ा जोर से, आह गठजोड़ा कराने का बिच्छू, विवाह कराने की दक्षिणा में तो घोड़ा पछाड़ दे देना जो सारे घर को पछाड़ पछाड़ करके मार दे।
ब्राह्मण चिल्लाओ मत ना, नीचे देखो क्या पड़ा है, वो बिच्छू सोने का डेला बन गया, ब्राह्मण हरा भरा हो गया, डेला उठा करके जेब में रख लिया, बोले देखने में ही भयंकर है, बाकी नाम शिव शंकर है, बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े आनंद से शाकोच्चार होने लगा। अब जब कन्यादान का समय आया तो बोले गोत्र बताओ, गोत्र क्या है दूल्हे का, अब कोई गोत्र हो तो बताया जाए। नारद जी बोल पड़े, भैया सृष्टि ही यहीं से प्रारंभ हो रही है तो इनका गोत्र क्या होगा, इनका अच्युत गोत्र है। अच्युत गोत्र के शिव शंकर के हाथ में पार्वती जी का कन्यादान किया गया। कन्यादाने स्थियताम चाद्य शैलो नाथोक्ता किम कार्य नाशस्तव सत्यम ब्रूमो नात्र कार्यो विमर्श तस्मात् कन्या दीयताम ईश्वरस्य। मैं अपना यह लोक और परलोक सुधारने के लिए कन्यादान कर रहा हूँ। जिनके बेटी ना हो वो दूसरे की बेटी का कन्यादान करें, लेकिन जीवन में कन्यादान जरूर करना चाहिए। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थ परगृहिणी भी प्रसीद सकलेश्वर। अपनी कन्या पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे करके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरा हृदय ही है, मैंने बड़े यतन से इसको पाल पोस के बड़ा किया है, इसे आप पूरा प्रेम देना, पूरा सम्मान देना। कोहबर हुआ, पास भवन में ले गए जहां बरात को ठहराया गया। शंकर जी के लिए विशेष स्थान तैयार किया गया है, वहां की स्त्रियां लोकाचार करने लगी। जब लोकाचार हो रहा था तब एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ। कामदेव की पत्नी रति वहां पर आ गई और रोने लगी। महिलाओं ने कहा, ऐसे उत्सव के समय तुम क्यों रो रही हो? बोले मैं रति हूं, मेरे पति को इन्होंने भस्म कर दिया था, मुझे किसी ने कहा है कि आज यदि मैं मांगू, मैं जो मांगूंगी वो मुझे ये देंगे। रति ने जाकर के भगवान शंकर को प्रणाम किया, हे प्रभु आपका घर दोबारा बसने जा रहा है, एक विवाह पहले कर चुके हैं अब दोबारा कर रहे हैं, और मेरा घर उजड़ गया है, क्या आपको ये शोभा देता है? तथा परा वही ज्योतिष्य नीराजयामासरथो पुरस्त्रिय शिवाम च शंभु च विलोकयंतो बापुर मुदम ता सकला महोत्सवम। उस उत्सव में सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा, सारी स्त्रियां आई हुई थीं। उन सब स्त्रियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप कुछ भी दान दे सकते हैं, आप इसके पति को जीवन दान दे दें। भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवित कर दिया। रति और कामदेव दोनों प्रणाम करके वहां नृत्य करने लगे। बहुत जोर का मांगलिक उत्सव होने लगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती जी अपनी माँ के ही महल में विराजमान हैं और भगवान भोलेनाथ अपने महल में विराजमान हैं। एक बार पार्वती जी की माँ मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलाया, अगर मैं उपदेश दूंगी तो बेटी कहेगी कि माँ हमेशा कान खाती रहती है, जब देखो जब कुछ ना कुछ उपदेश देती रहती है, अब ये पराई हो जाएगी। हे ब्राह्मण देवी, मेरा मन है कि आप मेरी बेटी के लिए ऐसा उपदेश दें कि ये पराए घर में जाकर के हमारे कुल का नाम करे। अत स ब्राह्मणी देवी शिक्षयित्वा व्रतम च तत् प्रोवाच मेन मा मंत्र यात्रा मस्यास्त कारय। जो बात स्वयं मेनका कहना चाहती थी वो बात ब्राह्मण पत्नी से कहलवाई। पहले कई कार्य कराए जाते थे कन्याओं से, चटाई बिछा करके, दाल पीस करके मंगोड़ी तुड़वाई जाती थी, मारवाड़ी में उसको बड़ी कहते हैं, ब्रज में मंगोड़ी कहते हैं। कन्या मंगोड़ी बनाती, एक तरफ ताला चाबी रख दिया जाता, एक तरफ कोला रख दिया जाता। क्या मतलब हुआ,
बोले बेटा जैसे ये मंगोड़ी दो मुंह की चार मुंह की गोल लंबी तिरछी हैं, ऐसे ससुराल में तुम्हें बहुत तरह के लोग मिलेंगे, कोई दो मुंह वाले होंगे कोई चार मुंह वाले होंगे, सबको सम्मान दोगी तो सारे घर की ताला चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, और जो तुम संतुलन नहीं बना पाई तो बहुत जल्दी कारा मुंह होगा, लोग कहेंगे माता पिता ने यही सिखाया है, तुमको भी अपयश मिलेगा और हमें भी अपयश मिलेगा। माताओं को अपनी बेटियों को शिक्षा देते ही रहना चाहिए। अच्छा, पहले बेटी विदा होती, विदाई के समय देली पूजन कराया जाता, देली में सहन शक्ति है, ऐसे तुम में भी सहन शक्ति आ जाए। पहले बेटियां घर से विदा होती थी जो घर जाकर के संभालती थी, आजकल होटल से विदा होती हैं जो होटल जाकर के संभालती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणी ने पार्वती से कहा, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशनी। हे पार्वती, जो पतिव्रता नारी होती हैं उनकी पूजा तीनों लोकों में होती है, आप हमेशा पतिव्रता रहेंगी ये हमें विश्वास है। सेवते या पतिम प्रेमणाम परमेश्वर वंशवे ये मुक्ता अखिलान भोगान अंते पत्या शिवाम गतिम। पतिव्रता के सामने दुनिया झुक जाती है, अपने पति का कहना मानना, अपने पति को परमेश्वर मानना, अपना भर्तार मानना, अपना देवता मानना, ये पतिव्रता का लक्षण है। श्राद्ध कर्म, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, हर शुभ कर्म में अपने पति का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए, पूरा पूरा साथ देना चाहिए। पति जो संकल्प करे उस संकल्प को पूरा कराने के लिए परिश्रम भी करना चाहिए। पति देव का काम है पत्नी की हर इच्छा पूरी करना, और पत्नी का कार्य है कि पति के हर संकल्प में सहयोग करना। यहां तो बहुत बड़ा ज्ञान है, पूरी एक अध्याय में पार्वती जी को ज्ञान ही ज्ञान दिया गया है। तीर्थातिनी तु या नारी पति पादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशय। जो पत्नी अपने पति के चरण को धोकर के पीती है उसे सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। धोविन, छिनाल, पुलटा, सन्यासिनी, भाग्यहीना, ऐसी स्त्रियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। समाज को जोड़ने की, घर को जोड़ने की, घर में सब लोग एक रहें, एक साथ रहें, ऐसी योजना बनाते रहना चाहिए। पति की आयु बढ़ाने के लिए हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, इनका उपभोग करना चाहिए। बहुत तरह का उपदेश दिया, भर्ता देवो गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ वृतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। अपने पति के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके रखनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश, कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? बोले जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन कंप्लीट है, और नहीं तो फिनिश है। जगह जगह बर्तन खटकते हो, झगड़ा होता हो, ऐसा गृहस्थ नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश दिया, पार्वती जी को लेकर के पालकी तक लेकर के आए, भगवान शंकर रथ में विराजमान हुए, सभी देवता अपने अपने रथ में विराजमान हो गए, चलते समय सबको मिलनी दी गई, दक्षिणा दी गई, कई बैलगाड़ियों में बहुत सारे वस्त्र आभूषण, बहुत सारा दहेज दिया गया, सारे देवताओं का सम्मान किया। चलते समय पिता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, माँ ने आशीर्वाद दिया, पार्वती जी विदा हो रही हैं, पियर के लोग तो आंसू बहाई रहे हैं, लेकिन ससुराल के लोग भी, जो लोग बारात में आए हुए थे ना, उनको भी आंसुओं की झड़ी लग गई। बंदे बंदन तुष्ट माना सुमति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्ण करम प्रपूर्ण निखलम ऐश्वर्य के भासम शिवम।
हरि बांस मंडप छाए, गोरा जी को भोले ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, गोरा जी को भोले ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, गोरा जी को भोले ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, गोरा जी को भोले ब्याहन आए। जब गोरा जू की लिखत लगनिया, जब गोरा जू की लिखत लगनिया, हाथे फाते कागज आए।
बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कैलास मागत्य शिवाम विवाह्य शोभाम प्रपेदे नितिराम शिवोपि विचारयामास च देव कृत्यम पीड़ाम जनस्यापि च देव कृते। जो मनुष्य गौरी शंकर के इस विवाह को पढ़ेगा सुनेगा अथवा कहेगा इस जीवन में हमेशा हर प्रकार के सुंदर सुंदर भोगों को भोगेगा और मृत्यु के उपरांत भगवान शंकर के धाम को प्राप्त होगा। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहे तुम्हें वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहीं जे का वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावही पार वरने तुलसी दास किम अतिमति मंद गवार। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती खंड का विराम हुआ। कैलाश पर पार्वती के साथ भोलेनाथ विराज रहे हैं। हरि गिरिजा बिहार नित नयो। अरे तुलसीदास जी कितनी मर्यादा रखी है। शिव पार्वती विहार कर रहे हैं, किसी की दृष्टि कुदृष्टि ना हो जाए। लौकिक वर्णन नहीं किया। एक पत्नी का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह पार्वती कर रही हैं और एक पति का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं। अब आगे कुमार खंड प्रारंभ हो रहा है। कुमार खंड का अर्थ है श्री स्वामी कार्तिक और गणपति की कथा। बंदे बंदन तुष्ट मानस समते प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकणं प्रपूर्ण निखलै ऐश्वर्यकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यं प्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतम सुखीय कृपयो पातात्कृति शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्णानंदमय हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका शिव विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जितना दहेज दिया था सब लुटाते चले आए और शिवलोक में पहुंचकर अथवा कैलाश में पहुंचकर सारे देवताओं को धन्यवाद दिया। बोले आपके आने से उत्सव महामहोत्सव हो गया। आप लोगों के यहां भी उत्सव होंगे तो हम जरूर आएंगे। और सबके लिए अपनी तरफ से भेंट दी, पूर्ण सम्मान पूर्ण सद्व्यवहार और संपूर्ण धन्यवाद के बाद सारे देवताओं को विदा किया। गिरजा के साथ विहार कर रहे हैं तभी देवताओं ने परोक्ष में आकर के प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारा जो संकल्प था वो आधा तो पूरा हो गया कि आपने विवाह कर लिया, अब आधा और पूर्ण कर दीजिए, हमें आपसे एक पुत्र की आवश्यकता है। शिव पार्वती समागम। तत्परिणाम पार्वती के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम स्वामी कार्तिक रखा गया, जो सारे देवताओं ने उनको अपना स्वामी माना
और छह जो कृतिका हैं पार्वती जी की सहचरी, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और कहीं कहीं पुराणों में कथा है कि गंगा के द्वारा स्वामी कार्तिक का जन्म है, पार्वती ने तो उनको पोषण किया है। कहीं कहीं कथा आती है कि शिव और पार्वती के बीच में संभोग है ही नहीं, इसलिए गंगा से इनका जन्म हुआ है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। स्वामी कार्तिक को गोदी में लेकर के भगवान शंकर विराजमान हैं, पार्वती बगल में विराज रही हैं, तभी सभी देवता वहां पर आए और पुत्र जन्म की प्रसन्नता सुन करके सब अपनी अपनी वस्तु भेंट करने लगे। लक्ष्मी जी ने एक बहुत सुंदर मणियों की माला स्वामी कार्तिक को पहनाई, सरस्वती जी ने सारी सिद्धियां प्रदान कर दी, इंद्र ने ऐरावत हाथी भेंट करा, सप्तऋषियों ने यज्ञोपवीत धारण कराया, अन्य अन्य देवताओं ने जो जो उनकी सामर्थ्य है सब उनके लिए भेंट किया और सब देवताओं ने कहा आज से हम आपको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं, आप ही हमारे अध्यक्ष हैं। स्वामी कार्तिक ने पूर्ण कैशोरावस्था प्राप्त कर ली, दर्शन से ही लगता है कि ये देवताओं के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। देवताओं ने प्रणाम करके कहा हे प्रभु आप हमारे साथ युद्ध करने के लिए चलें, तारकासुर का वध करना है, पिछले लंबे समय से हम लोग परेशान चले आ रहे हैं, आपके अलावा उसका कोई वध नहीं कर सकता, आप हमारे साथ पधारिए। भगवान शंकर ने कहा हे ब्रह्मा जी हे विष्णु जी आप भी मेरे पुत्र के साथ पधारे। ब्रह्मा विष्णु स्वामी कार्तिक को नायक बनाकर इंद्र आदि देवताओं की सेना लेकर के चल पड़े, तभी आकाशवाणी हुई हे देवता आओ, तुमने जिस कुमार को अपना सेनाध्यक्ष बनाया है इसके संरक्षण में तुम्हारी विजय होगी। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय। तारकासुर को मालूम पड़ गया कि मुझे मारने के लिए बहुत बड़ी सेना आ रही है, समुद्र के किनारे बहुत बड़ा मैदान है, तारकासुर अपनी सेना को लेकर के वहां पर उपस्थित हो गया। विष्णु भगवान युद्ध करने लगे, कमाल है बोले विष्णु का सुदर्शन भी कार्य नहीं कर पाया। वीरभद्र ने युद्ध किया, जो भी युद्ध करने आ रहा है कालिका कूद पड़ी है, महाकाली युद्ध करने के लिए कूद पड़ी है, देवताओं का समूह देख करके सब में उत्साह है, सबको लग रहा है मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा। जो भी युद्ध करने के लिए आता है तारकासुर के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। अंत में विष्णु भगवान ने कहा हे स्वामी कार्तिक आपको ही युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा। स्वामी कार्तिक आगे आए, देखने लायक काम है, एक उपदेश वाला काम है स्वामी कार्तिक का। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, आज मैं जो भी हूं अपने माता पिता की वजह से हूं, और भगवान शंकर की जय बोल करके आक्रमण किया। जल में युद्ध, थल में युद्ध, आकाश में युद्ध, तरह तरह की माया प्रकट कर दी तारकासुर ने, जितनी सिद्धियां थी जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब चलाए, पर स्वामी कार्तिक ने शिव कृपा से सबका नाश कर डाला, अंत में अपने खड़ग से तारकासुर का भी वध कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, धुंद भी बजने लगी, बोलो शंकर भगवान की जय। स्वामी कार्तिक को सब देवताओं ने प्रणाम किया, परिक्रमा करने लगे, कंधों पर उठा लिया, पालकी में विराजमान करके देवता लोग पालकी में लग गए और सब लेकर के कैलाश पर आए। पालकी से उतर स्वामी कार्तिक ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा हे पिताश्री तारकासुर वध करने में मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं जो भी हूं वो आपकी कृपा से हूं। स्वामी कार्तिक विराज रहे हैं, बहुत सारे देवता रोज आकर के उनको प्रणाम किया करते थे, कई राक्षस जो तारकासुर की नकल करते थे, सनातन धर्म को हानि पहुंचाते थे,
बहुत से तो भैंसे मारे गए, बहुत से तारकासुर के साथ युद्ध में मारे गए, बहुत सोने धरती छोड़ दी, पाताल में जाकर के इकट्ठे हो गए, और बहुत सारे राक्षसों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब से हम आतंकवादी नहीं रहेंगे, अब हम मुख्य धारा में मिलकर के रहेंगे, अब हम देवताओं के साथ रहेंगे। सनातन धर्म होने लगा, चारों तरफ यज्ञ पूजा पाठ दान पुण्य कथा कीर्तन सत्संग होने लगा, सभी देवता प्रसन्न हो गए, आनंद आने लगा। एक बार पराम्बा पार्वती अपनी दो प्रिय सखी जया और विजया उनके साथ विराजमान थी। जया और विजया के मन में विचार आया, भगवान भोलेनाथ मर्जी आए जब ट्रांसफर कर देते हैं गणों का, कोई गण शिव की सेवा में है, कभी वो पार्वती की सेवा में आ जाता है, कभी वो ही गण स्वामी कार्तिक की सेवा में चला जाता है, जिसकी कभी द्वार पर पहरेदारी की कार्य है वो कभी महल में प्रक्षालन में लगा दिया जाता है, कभी जल लाने में लगा दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ सबकी अदला बदली कर देते हैं, जितने भी गण हैं सब शिव के हैं, सब शिव का कहना मानते हैं। पार्वती जी, आपका भी कोई गण होना चाहिए जो केवल आपका कहना माने, आपके अलावा किसी की बात माने ही नहीं। ऐसा समझा बुझा दिया कि पार्वती जी के मन में क्षोभ हो गया, सही कह रही हैं मेरी सहेलियां, मेरा तो कोई है ही नहीं इस संसार में जो केवल मेरा ही कहना माने। स्नान करने से पहले उबटना कर रही थी, हल्दी केसर मलाई में मिला करके अंग पर लगा रही थी, जो मैल इकट्ठा हुआ उसको पार्वती जी ने एक बालक का आकार दिया, और मन में आया कि ये ही मेरा गण होगा। पार्वती जी ने उसमें प्राण डाल दिए, वो जीवित हो गया, प्रणाम करके बोला, माँ अरे तुम्हारे मुंह से माँ कैसे निकला, आप ही तो मेरी निर्मात्री हैं, आप ही तो मेरी जननी हैं, आपने ही तो मुझे जन्म दिया है, जो जन्म दे वही तो जननी है, चाहे गर्भ से दे, चाहे हाथ से दे, चाहे मन से दे, आप हमारी माँ हैं, ठीक है तुम हमारे बेटा हो, माँ आज्ञा दो, जो आप कहेंगी वही मैं करूंगा। पार्वती जी ने अपने तप बल से एक सोने की छड़ी जो वज्र से भी ज्यादा कठोर है, उनका नाम गणेश रख दिया, तुम आज से सारे गणों के ईश हो, जितने गण हैं वो शिव के हैं लेकिन उनके नायक तुम मेरे पुत्र हो, लो ये छड़ी ले लो, मेरी रक्षा करना यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य, यही एकमात्र जिम्मेदारी, यही तुम्हारा कार्य है। शंकर भगवान गए हुए थे कहीं कथा सुनने, पार्वती जी स्नान कर रही थी, गणेश जी से कहा कि आप बाहर खड़े हो जाओ, मेरी आज्ञा ना हो तब तक किसी को भीतर मत आने देना, चाहे कोई किसी भी वेश में आए, किसी भी आवेश में आए, कैसे भी आए। माता स्नान कर रही हैं, भोलेनाथ आ गए, जैसे ही अंदर जाने लगे रास्ता रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। ए तुम कौन हो? मैं गणेश हूं, मेरी माँ ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ए बालक तुम मुझे नहीं जानते? हाँ मैं आपको नहीं जानता, मैं भगवान शंकर हूँ, मैं शिव हूँ। अच्छा होंगे, अगर आप भगवान हैं तो मंदिर में बैठिए ना, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं, मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने मन में सोचा बहुत बढ़िया मौका है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी और मेरे जितने भी सेवक हैं उनकी भी परीक्षा हो जाएगी। शंकर जी ने लीला रची, देखो नंदीश्वर कौन बालक है जो मुझसे जवान लड़ा रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, जरा देखो ना। नंदीश्वर युद्ध करने के लिए आए, गणेश जी ने उनको भी पछाड़ दिया, श्रृंगी भृंगी आए उनको भी पछाड़ दिया, वीरभद्र आए उनको भी पछाड़ दिया, जो एक बार मार खाकर कह जाता है दोबारा आता ही नहीं है। शंकर जी मनी मन में प्रसन्न हो रहे थे, बहुत अच्छे, जितने ये बलवान बना करते थे मेरे नाम का सहारा लेकर के अभिमान में मस्त रहते थे, अभिमान के नशे में रहते थे, आज इन सबका अभिमान दूर हो जाएगा।
शिव के जितने गण थे सबको पीट दिया, सबको हरा दिया, युद्ध में मार दिए कई तो। अब गण कह रहे हैं बोले ना तुम्हारी रक्षा करो, इससे हमें बताओ, ये जिंदा रहा तो हमें यार रहने ही नहीं देगा। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी की गर्दन कट गई, और गर्दन कटते समय बहुत जोर से चीखे गणेश जी, और वो चीख पराम्बा पार्वती को सुनाई दी। स्नान करके पार्वती जी बाहर आई और जो गर्दन पड़ी देखी, बहुत जोर का क्रोध आया। पार्वती ने अपने शरीर से कृत्या प्रकट कर दी, अनेक प्रकार की राक्षसी प्रकट कर दी, चारों तरफ प्रलय होने लगा, मार काट मच गया, समुद्र उबलने लगा, वर्षा होने लगी, महाप्रलय का सा दर्शन होने लगा। ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, सप्तऋषि आ गए, लोकपाल आ गए, दिक्पाल आ गए, सबने प्रार्थना करी, माँ आप क्रोध मत करिए, आप जो कहेंगी वो हम करेंगे। सबसे पहला काम मेरा बेटा जीवित हो जाए, दूसरा काम तुम सारे देवता इसे अपना नायक मानोगे, सब लोग मिलकर के इसकी पूजा करोगे तो ही मैं अपना क्रोध शांत करूंगी। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, बोले महाराज कोई उपाय करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। गृहिणी जब नाराज हो जाए ना, घरवाली जब नाराज हो जाए तो प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है। हे भोलेनाथ जल्दी नियंत्रण करिए। शंकर जी ने कहा कि दक्षिण दिशा में जाओ, जो भी मिल जाए उसकी गर्दन काट के ले आओ, जो भी पहले मिल जाए। एक दांत वाला हाथी आ रहा था, दिमाग में आ गई जो भी पहले मिल जाए, गर्दन काट करके ले आए और ला करके शंकर जी को दिया। शंकर जी ने लगा दिया, संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। सारे देवता गणपति को प्रणाम करने लगे, बोलो गणेश जी महाराज की जय। पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ और कहा, हे देवताओं आज से मैं अजर अमर का आशीर्वाद अपने पुत्र को देती हूँ, और आज चतुर्थी के दिन भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी, इसको गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा, जो मेरे पुत्र को सिंदूर चढ़ा करके लड्डू का भोग लगाएगा उसकी सारी कामना पूर्ण होंगी। मैं दुनिया की सारी बुद्धि गणपति को प्रदान करती हूँ, गणेश आज से बुद्धि के देवता होंगे, जिनको भी बुद्धि चाहिए वो गणपति की पूजा करेंगे। सब देवताओं ने प्रणाम किया, सब लोग चले गए। गणपति विराजमान हैं, स्वामी कार्तिक विराजमान हैं, एक माता की गोदी में है, एक पिता की गोदी में है। बच्चों को लेकर के कामना करी जाती है, जल्दी से विवाह हो जाए, जल्दी से पोता आ जाए। ऐसी ही कामना करने लगी पार्वती जी के, मैं तो बस अपने बेटों का विवाह करूंगी, बहुत जल्दी करूंगी। गणेश जी मचल गए, माँ माँ हमारा विवाह करा दो, माँ हमें विवाह करना है। अब विवाह के लिए बहू कोई तैयार थोड़ी ना रखी है जो तुरंत बाजार से लाके दे दी जाए। पार्वती जी ने एक युक्ति बताई, गणेश जी के साथ साथ स्वामी कार्तिक कहने लगे हमारा भी विवाह करा दो। दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके जल्दी आ जाएगा उसी का विवाह पहले करा दिया जाएगा। पार्वती ने सोचा कि ये पृथ्वी परिक्रमा करके पता नहीं कब तक लौटेंगे, जब तक कोई ना कोई वधू तलाश कर ली जाएगी, मामले को टालने के लिए ये युक्ति निकाली। स्वामी कार्तिक मोर पर विराजमान होकर के दौड़ पड़े, मैं जल्दी से यात्रा करके आता हूँ। गणेश जी सोच रहे हम पे तो एक कोस भी नहीं जला जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। तभी दो आसन लेकर के आए, एक आसन पर हाथ जोड़ करके, हाथ पकड़ करके माँ को ले आए और कहा माँ जरा यहाँ बैठ जाओ, और चरण पकड़ के प्रणाम करके शंकर जी को ले आए, पिताजी आप जरा यहाँ बैठ जाओ। और दोनों जने जब बैठ गए तो सात परिक्रमा उनकी कर ली और प्रणाम करके कहा अब आप हमारा विवाह करा दीजिए। हैं, विवाह कहाँ से करा दें, पृथ्वी की परिक्रमा करने तो तुम गए ही नहीं,
हमने तो पृथ्वी की परिक्रमा आपके सामने करी है, आप ध्यान ही नहीं दे रही हैं हमारी तरफ। ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं बिल्कुल चलेगा। चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जिनको माता पिता अपने प्राणों से प्यारे लगते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ उसके हाथ पर हथेली पर आ जाते हैं अपने आप। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात चरण अनुरागी। जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता के चरणों में विश्वास करते हैं, वो भाग्यशाली संतान होती है। माँ आप ही हमारी पृथ्वी हो, आप ही हमारे सब तीर्थ हो। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। कैसा लिखा है शिव पुराण में कि माता पिता घर में बीमार हो, बुड्ढे हो और हम तीर्थ यात्रा करने चले जाएं उनकी सेवा छोड़ करके, तो तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और माता पिता की सेवा हम कर रहे हैं, उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन कराना, दवाई देना, सारे तीर्थों का जो पुण्य है वो माता पिता की सेवा से प्राप्त हो जाता है। विश्वरूप नाम के प्रजापति की दो कन्याएं हैं, रिद्धि और बुद्धि, रिद्धि सिद्धि कहा जाता है इनको। इन दोनों के साथ गणपति जी का विवाह करा दिया गया। बोलो गणेश जी महाराज जय। गणेश जी का विवाह हो रहा है और देवता लोग बधाई गा रहे हैं, श्री गणेश जी की वंदना गा रहे हैं। हमें और आपको भी गाना चाहिए। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, प्रभु बीच सभा में आ जाना। खुशियों का डेरा तेरी सूर सो डाली सूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार, तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार, प्रभु अमृत रस पर सा जाना। तारे भोले बाबा की आंखों के तारे, प्रभु बीच सभा में आ जाना आ जाना, प्रभु बीच सभा में आ जाना आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले तुमको मनाए, प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले तुम्हें मनाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए,
भक्ति का वरदान मेरे भोले भगवान ये तो भक्ति का वरदान प्रभु नैया पार लगा जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा की आंखों के तारे भोले बाबा की आंखों के तारे प्रभु बीच सभा में आ जाना आ जाना प्रभु बीच सभा में आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करूं तेरी सेवा मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करूं तेरी सेवा सारे जग में आनंद छाया तेरी जय हो गजानंद देवा सारे जग में आनंद छाया तेरी जय हो संसार बाजे सुर और ताल तेरे गुण गाए संसार प्रभु रुनक झुनक तुम आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा की आंखों के तारे भोले बाबा की आंखों के तारे प्रभु बीच सभा में आ जाना आ जाना प्रभु बीच सभा में आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा की आंखों के तारे भोले बाबा की आंखों के तारे बोलो गणेश जी महाराज की जय गणपति चरित्र अभी और बाकी है आज कथा का विराम यहीं करेंगे कल गणेश जी की कथा स्वामी कार्तिक की कथा और भगवान शंकर के जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करेंगे आइए 2 मिनट कीर्तन करें फिर विश्राम करेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो गौरी शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महा